चलो, सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू द सेशन. होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, सेफ होंगे, एंड अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपनी फैमिली सेफ का. होंगे. एंड तो आज के जो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वो है यूनिट नंबर 8 के रिवीजन के लिए. और यूनिट नंबर 8 का जो रिवीजन है उसमें क्लासिकल जेनेटिक्स को हम मेंशन करते हैं. नमस्कार. और जी, तो क्लासिकल जेनेटिक्स को हम शुरू करने वाले हैं. और बाकी जितने भी लोग जुड़ चुके हैं बहुत अच्छा है, और जितने लोग जुड़ने वाले हैं उनके लिए भी वेलकम है भाई. और उन सभी जो है प्यारे दर्शकों के लिए जो लोग अपना स्क्रीन कल फोड़ चुके हैं, है ना, तो कुछ लोग कल स्क्रीन फोड़ चुके हैं बेचारे, मैंने बोल दिया था तो फोड़ दिए थे. तो आज भी जो लोग फोड़ने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए ऑल द बेस्ट. फोड़िएगा जरूर, है ना, क्योंकि आप लोगों की वजह से मुझे मोटिवेशन थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है. तो फोड़िएगा जरूर. और कैसे फोड़ना है ये तो मुझे बताने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना. तो जैसे भी मन करे जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करके एकदम दबा के जो है फोड़िएगा. जो लाइक करके फोड़ सकता है, डिसलाइक करके फोड़ सकता है, जैसे भी फोड़ना है, लेकिन फोड़ना जरूर है, ठीक है. तो फिलहाल के तौर पे जो है मैं यूनिट नंबर 8 शुरू करता हूँ और लेके चलने की कोशिश करता हूँ. तो मैंने अगर मैं जो है इस पूरे लेक्चर में, अगेन वही है कि ये जो है नए लर्नर्स के लिए लेक्चर नहीं है, नए लर्नर्स के लिए लेक्चर नहीं है. रीजन बींग दैट क्योंकि ये जो है रिकॉलिंग है, और रिकॉलिंग का सुपर फास्ट फॉर्म जो है आपको देखने को मिलेगा. और ये सुपर फास्ट का जो है कई सारा डुप्लीकेट मार्केट में अवेलेबल होगा, और डुप्लीकेसी से बचिएगा, है ना. वो एक कई सारे जो है मार्केट में आते रहते नक्कालों से सावधान, तो कई सारे नक्काल जो है वो आपको मार्केट में मिल जाएंगे. तो सुपर फास्ट के नाम पे अल्ट्रा स्लो चलता रहता है. और आप लोगों को ये वीडियो मैं अपनी तारीफ में बोल नहीं रहा हूँ, यू आर वेल अवेयर कि जो है कैसे जो है लेक्चर्स जा रहे हैं मेरे और कैसे आप लर्न कर रहे हैं. 2 घंटे पूरी यूनिट, दैट्स द ऑब्जेक्टिव, ठीक है. तो फिलहाल के तौर पे अगेन शुरू करेंगे. मैं बताने के पीछे जरिया बस या पर्पज बस ये है कि ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं, जो लोग पढ़ चुके हैं, एग्जाम को टारगेट करें. 26 को एग्जाम है, और मैं पहले भी बोला था कि लगभग उसी दिन होने वाला है और होगा, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. रिकॉल एक्सप्रेस यूनिट नंबर 8, जेनेटिक्स या क्लासिकल जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस बायोलॉजी भी बोलते हैं. तो जब भी हम बात करते हैं तो प्लॉइडी के लिए, तो प्लॉइडी में जो होते हैं मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, ट्रिप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी, ये बात होता है सेट्स ऑफ द क्रोमोजोम. अगर एक इंडिविजुअल में जितने भी क्रोमोजोम से, हर क्रोमोजोम के जितने सेट्स होते हैं वो डिफाइन करते हैं कि उसकी प्लॉइडी क्या है. अगर हर क्रोमोजोम के एक सेट तो मोनोप्लॉइडी, अगर दो सेट्स तो डिप्लॉइडी, तीन सेट्स तो ट्रिप्लॉइडी, और अगर चार है तो टेट्राप्लॉइडी, एंड मेनी जो इस तरीके के कंडीशन होते हैं. तो याद रहे प्लॉइडी का मतलब होता है सेट्स ऑफ द ईच क्रोमोजोम इन द इंडिविजुअल, सेट्स ऑफ द ईच क्रोमोजोम इन द इंडिविजुअल्स. इसमें कई सारे डेफिनेशन होते हैं, जीन, एलील, लोकस, जीनोटाइप, होमोजाइगट, हेटरोजाइगट. जीन क्या होता है, एनी फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द डीएनए जीन हो जाएगा, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन जो कि म्यूटेशन के वजह से डेवलप होता है. लोकस, जिस क्रोमोजोम पे या क्रोमोजोम के किस लोकेशन पे, किस प्लेस पे जो है कोई जीन प्रेजेंट है वो लोकस हो जाता है. जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उसमें सेट ऑफ एलिलिक फॉर्म या एलिलिक फॉर्म जो है वो किस तरीके से, किस कॉम्बिनेशन में, एलिलिक कॉम्बिनेशन को ही जीनोटाइप बोलते हैं. होमोजाइगोट, अगर वो एलिलिक कॉम्बिनेशन जो है सेम हो तो होमोजाइगोट, अगर डिफरेंट हो तो हेटरोजाइगोट, यानी कैपिटल ए कैपिटल ए तो होमोजाइगोट, कैपिटल स्मॉल ए तो हेटरोजाइगोट. एंड उसके अलावा एक कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट बोलते हैं, जिससे कि कैरेक्टर्स होते हैं जिसको एट्रीब्यूट या फीचर जिसको कोई ऑर्गेनिज्म पॉज करता है. फिनोटाइप जो अपीयरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिक्स. इसके अलावा जो है एलील, नॉन एलील, आइसो एलील, ऐसे कॉन्सेप्ट को जो है शो किया जाता है. आइसो एलील का मतलब जो है सेम लोकेशन होते हैं और सेम ट्रेट होता है. अगर सेम लोकेशन सेम ट्रेट हो तो आइसो एलील, अगर सेम लोकेशन डिफरेंट ट्रेट हो तो एलील, अगर डिफरेंट लोकेशन हो सेम ट्रेट हो तो जीन, इसको हम सीडो एलील बोलते हैं. से डिफरेंट लोकेशन सेम ट्रेट हो तो सीडो एलील, और अगर डिफरेंट लोकेशंस या एक लोकेशन में मल्टीपल एलील्स हो तो मल्टीपल एलील का कंडीशन जो है वो शो किया जाता है. एलील रिलेशनशिप में 3 रिलेशनशिप्स होते हैं. जब एलील आपस में रिलेट कर रहे होते हैं तो 3 रिलेशनशिप, पहला कंप्लीट डोमिनेंस, फोर डोमिनेंस, पार्शियल डोमिनेंस. अगर हेटरोजाइगस में एक डोमिनेंट एलील या एक एलील दूसरे एलील पे कंप्लीटली डोमिनेट कर जाए तो उसको बोलते हैं कंप्लीट डोमिनेंस. अगर एक एलील दूसरे पे इनकंप्लीट डोमिनेंस हो जाए तो इनकंप्लीट डोमिनेंस. अगर एक और दो दोनों मिलकर डोमिनेट करें तो को डोमिनेंस है. कंप्लीट डोमिनेंस में जो हेटरोजाइगस का फिनोटाइप होता है वो डोमिनेंट के फिनोटाइप जैसा होगा. इन द केस ऑफ इनकंप्लीट डोमिनेंस, डोमिनेंट का जो इसका फिनोटाइप होगा वो ना ही डोमिनेंट ना ही रिसेसिव, बीच का इंटरमीडिएट होगा. और अगर हम को डोमिनेंस की बात करें तो यहाँ पे हेटरोजाइगस का फिनोटाइप ना ही डोमिनेंट ना ही जो है रिसेसिव, दोनों का हाइब्रिड यानी कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव होगा. मेंडल जेनेटिक्स की बात करते हैं तो उन्होंने 7 कैरेक्टर को चूज किया था, जिसमें से सीड शेप, सीड कलर, सीड, उसके अलावा फ्लावर कलर, फ्लावर पोजिशन, पॉड कलर, पॉड शेप एंड स्टेम लेंथ. अगर डिफाइन किया जाए तो कैरेक्टर 4 थे,
पॉड सीड फ्लावर, पॉड का शेप, पॉड का कलर, सीड का शेप, सीड का कलर, फ्लावर का कलर, फ्लावर का पोजीशन, स्टेम का हाइट, पॉड का शेप में इनफ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड ग्रीन येलो, सीड शेप में राउंड रिंकल्ड, कलर येलो ग्रीन, फ्लावर कलर ए पर्पल व्हाइट, पोजीशन एक्सियल टर्मिनल एंड स्टेम का हाइट टॉल एंड ड्वार्फ। ये सारे कैरेक्टर्स जो है वो डोमिनेंट होते हैं, यानी कि पॉट का शेप इनफ्लेटेड डोमिनेंट है, पॉट का कलर ग्रीन डोमिनेंट है, सीड का शेप राउंड डोमिनेंट है, सीड का कलर येलो डोमिनेंट है, फ्लावर का कलर पर्पल डोमिनेंट है, फ्लावर का पोजीशन एक्सियल डोमिनेंट है एंड उसके अलावा जो स्टेम का लेंथ टॉल डोमिनेंट है। ये कंडीशन होता रहता है। रिसेसिव कैरेक्टर उसके जो है अल्टरनेटिव फॉर्म होंगे। ये मेंडल ने 7 कैरेक्टर चूज किए थे और मेंडल वॉज वेरी लकी, यू नो दैट, बिकॉज ये सारे कैरेक्टर्स अनलिंक्ड थे, डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे और इनके बीच में कोई भी पॉलीजेनिक कंडीशन नहीं था। मेंडल ने 3 लॉ पहले दिए थे लेकिन उसमें से एक लॉ हट गया तो जो हाइपोथेसिस हो गया जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, 2 लॉ जो है बचे रहे। उस लॉ के ऊपर जब बात करते हैं तो सेग्रीगेशन लॉ और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, पहला लॉ सेग्रीगेशन और दूसरा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें तो ये सेग्रीगेशन ऑफ एलील होता है जिसमें कि 2 एलील एक्चुअली में एना फेज 1 में सेग्रीगेट होते हैं ड्यू टू सेग्रीगेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम। एना फेज 1 में सेग्रीगेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम होता है, यानी होमोलॉगस क्रोमोजोम 2 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम में, जब बात करते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 1 क्रोमोजोम के 2 सेट्स, तो 2 सेट्स वही होमोलॉगस है। वो होमोलॉगस क्रोमोजोम जब सेपरेट होते हैं एनाफेज में तो उसी के साथ एलील का सेग्रीगेशन होता है, उसी को बोलते हैं सेग्रीगेशन ऑफ एलील। मेंडल का फर्स्ट लॉ। दूसरा लॉ था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ द जीन, यानी 2 जीन्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं शो करते, अनटिलनेस उनके बीच का डिस्टेंस जो है 50 सेंटीमॉर्गन से ज्यादा हो। अगर 50 सेंटीमॉर्गन से डिस्टेंस कम हुआ तो वो लिंक्ड जीन हो जाएंगे और वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो नहीं करेंगे। यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो करने के लिए जीन का अनलिंक्ड होना जरूरी है और अनलिंक तभी होगा जब उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो, 50 सेंटीमॉर्गन से ज्यादा हो या 50 सेंटीमॉर्गन के बराबर हो। तो अनलिंक्ड हो गए तो उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा और यहां पे जीन इंडिपेंडेंटली जो है शॉर्ट करते हैं, उनके बीच में डिपेंडेंसी नहीं होगी। ये फिनोमेना भी एनाफेज 1 में होता है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसकी बात करी तो ये होता है आपकी प्योरिटी ऑफ गैमेट मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया जाता है सिंगल कैरेक्टर को लेते हुए, एनएफएच 1 में होता है और यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ एलील होता है ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोजोम। इसके बाद दूसरा होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जिसमें डाईहाइब्रिड क्रॉस, यानी डाईहाइब्रिड का मतलब 2 कैरेक्टर को क्रॉस किया जाता है, ये भी अगर होता है एनएफएच 1 में और यहाँ पे डिफरेंट जीन्स जो होते हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं, यानी कि अगर उनके बीच में डिस्टेंस जो है सेम क्रोमोजोम पे हो, अगर सेम क्रोमोजोम पे होने के बावजूद डिस्टेंस अगर 50 सेंटीमॉर्गन से ज्यादा हो तो एक दूसरे के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी नहीं होती है। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है जिसमें कि जनरली पैरेंटल जनरेशन से 2 होमोजाइगस को क्रॉस करके एक हेटरोजाइगस F1 में आता है और उसको जब आप क्रॉस करते हैं इन द F2 जनरेशन आपको फिनोटिपिक रेशियो 3:1 मिलेगा और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 मिलेगा। ये कंडीशन थे। इसके अलावा क्रॉसेस कई सारे होते हैं, क्रॉसेस में आप रेसिप्रोकल, बैक क्रॉस, रिसेसिव, इस तरीके के क्रॉसेस को शो करते हैं। अगर हेटरोजाइगस F1 को, अगर F1 को खुद के तरीके से क्रॉस कराएंगे तो सेल्फ क्रॉस, अगर F1 को जो है डोमिनेंट पेरेंट या रिसेसिव पेरेंट से कराएंगे तो बैक क्रॉस, अगर सिर्फ रिसेसिव से करा रहे हैं तो वही होता है टेस्ट क्रॉस। रिसेसिव पेरेंट से कराना ही क्या होता है, टेस्ट क्रॉस को कहा जाता है। तो जेनेटिक क्रॉसेस में जैसे मैंने बताया कि कैरेक्टर के बेसिस पे भी क्रॉस होते हैं या नेचर के बेसिस पे। अगर नेचर के बेसिस बात करें तो बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, सेल्फ क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब किसी भी एनी पेरेंट से क्रॉस कराए तो वो हो जाता है बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब सिर्फ रिसेसिव पेरेंट से कराए तो टेस्ट क्रॉस। खुद के जैसे जीनोटाइप से क्रॉस करें तो सेल्फ क्रॉस। और अगर जो मेल और फीमेल का जो जीनोटाइप था अगर उसको रिवर्स कर दे, जो पहले मेल का था जीनोटाइप वही रिवर्स करके फीमेल का, जो फीमेल का था वही मेल कर दे तो वही हो जाएगा रेसिप्रोकल क्रॉस। कैरेक्टर के बेसिस पे मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड का मतलब एक कैरेक्टर, मोनो का मतलब एक, हाइब्रिड का मतलब कैरेक्टर। जब एक कैरेक्टर की बात करते हैं तो वो है मोनोहाइब्रिड, जैसे कि स्टेम लेंथ की बात करें। डाईहाइब्रिड का मतलब 2 कैरेक्टर, जैसे स्टेम लेंथ या फ्लावर कलर। 2 कैरेक्टर की बात करें, ट्राईहाइब्रिड का मतलब 3 कैरेक्टर, जैसे कि आपके स्टेम लेंथ, फ्लावर कलर या सीड शेप कलर, कुछ कैसे बात कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं क्रॉसेस में तो मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस में जो है कई तरीके के क्रॉसेस हो सकते हैं। अगर आप सेल्फ जो है हेटरोजाइगस से क्रॉस हम एक पेरेंट से कर रहे हैं, वन ऑफ द पेरेंट, तो बैक क्रॉस। अगर रिसेसिव पेरेंट से करते तो वही टेस्ट क्रॉस है। ये दोनों ही टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस ही होते हैं, लेकिन सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होते हैं। अगर वो सेल्फ जीनोटाइप से तो उसी को सेल्फ क्रॉस बोलते हैं। यहाँ पे कैरेक्टर्स जो है अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। जरूरी ध्यान रहे कि कैरेक्टर्स, डोमिनेंट कैरेक्टर प्योर और इम्प्योर हो सकते हैं। प्योर कैरेक्टर्स या ट्रू ब्रीडिंग कैरेक्टर्स वही होते हैं जिसमें कि कोई भी इम्प्योरिटी ना हो, यानी वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो। अगर वो हेटरोजाइगस स्टॉल होते हैं तो यानी उसमें इम्प्योरिटी देखने को मिलेगी। ये कंडीशंस आपको देखने को मिलता है। रिसेसिव में हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके के कंडीशंस याद रहे। जनरली ऑल टेस्ट क्रॉस आर द बैक क्रॉस, सारे के सारे टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होते हैं, लेकिन सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होते हैं, ये ध्यान में होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कई सारे क्रॉस आप देखने को मिलते हैं। अगर हमें सेल्फ क्रॉस कराऊं तो उस केसेस में पनेट स्क्वायर से आपको 4 टोटल कॉम्बिनेशन मिलेंगे जिसमें से 3 जीनोटाइप्स मिलते हैं। एक कैपिटल है, एक स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल है, एक स्मॉल स्मॉल है, रिसीव 1:1,
फिनोटाइप की बात करें तो दो फिनोटाइप मिलते हैं, दैट इज टॉल एंड ड्वार्फ, या कोई भी कैरेक्टर, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव कैरेक्टर, जिसका रेशियो 3:1 आ जाएगा। ये फॉर्मुला होता है गैमेट के लिए 2^n, वही फॉर्मुला होता है फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशन के लिए 2^n, वही जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मुला होता है 3^n, एंड टोटल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मुला होता है 4^n, वेयर n इज द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगट। ये कंडीशन आपके साथ चलता रहता है। याद रहे कि जब भी आप सेल्फ क्रॉस करते हैं, यानी हेटरो इनटू हेटरो का क्रॉस करते हैं, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी थोड़ी ऐसी रहती है, होमोजाइगस डोमिनेंट की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी, कैपिटल ए स्मॉल ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी या 2/4 होगी, स्मॉल ए स्मॉल ए की 1/4 होगी। लेकिन अगर वहां पे अंडरस्कोर का कॉन्सेप्ट आता है, ए अंडरस्कोर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 होगी, क्योंकि ये बनता है 3, और इसके अलावा अगर डबल अंडरस्कोर हुआ तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में ये चीजें पूछी जाती हैं। याद रहे कि प्रोबेबिलिटी में होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए 1/4, हेटरोजाइगस के लिए 1/2, होमोजाइगस रिसेसिव के लिए 1/4, और अगर सिंगल बार है तो 3/4, डबल बार है तो 1 होता है, ये पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं आपके प्रोबेबिलिटी के केसेस में। तो याद रहे कि जब भी हम बैक क्रॉस करते हैं तो उसमें जो है टॉल और ड्वार्फ का रेशियो 1 आता है और जीनोटिपिक रेशियो 1:1 आएगा। अगर आप टेस्ट क्रॉस करते हैं तो उसमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो 1:1 आते हैं। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में यही अंतर होता है। बैक क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो 1 होता है, जबकि टेस्ट क्रॉस में 1:1, यानी दो फिनोटाइप मिलते हैं। जबकि बात करते हैं इन द केस ऑफ सेल्फ क्रॉस, सेल्फ क्रॉस के कंडीशन में आपको जनरली 3:1 का रेशियो मिलता है, इन द केस ऑफ फिनोटाइप और जीनोटाइप के कंडीशन में 1:2:1 मिलता है। ये कंडीशंस आपके साथ चलते रहते हैं और इस तरीके की प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है। आगे बढ़ने की कोशिश करें तो हेटरो इनटू हेटरो के कंडीशंस में जब भी आप क्रॉस करेंगे तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में आप जो है फोर्क मेथड का यूज कर सकते हैं। पहले जब भी फोर्क मेथड यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अलावा अगर डाईहाइब्रिड में चलेंगे तो पहले एक हाइब्रिड को करिए। पहले आपने एक कैरेक्टर को पकड़ा, जैसे मैंने टॉल और ड्वार्फ को अलग अलग कर दिया, उसके बाद टॉल को टॉल रेड या टॉल व्हाइट, ड्वार्फ रेड या ड्वार्फ व्हाइट, इस तरीके से फोर्क मेथड अप्लाई किया। टॉल रेड क्या हो जाएंगे a-b-, एंड टॉल व्हाइट का a-bb, ड्वार्फ रेड का a-b-, एंड उसके बाद ड्वार्फ व्हाइट का a-bb। ये चार बॉक्सेस रूल मैंने आपको बताया थे, इन्हीं चार बॉक्सेस रूल में, क्योंकि ये 3/4 होता है, ये 3/4 होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 9/16, ये 3 और ये 1/4, इसकी हो जाएगी 3/16, ये हो जाएगा a 1/4, ये 3/4, ये हो जाएगा 3/16, और ये हो जाएगा a 1/4 1/4 1/16। इस तरीके के कंडीशंस आपको डाईहाइब्रिड क्रॉस में फोर्क मेथड से मिलते हैं, चाहे कोई भी कंडीशंस हो, इस तरीके का कंडीशन आप देख सकते हैं। यही काम डाईहाइब्रिड क्रॉस में आप दूसरे स्पीसीज या दूसरे कैरेक्टर के लिए कर सकते हैं। अगर दो कैरेक्टर्स हो जिसमें मैंने राउंड और रिंकल्ड या येलो और ग्रीन की बात कर रहा हूं, इन द केस ऑफ सीड शेप, तो राउंड और रिंकल पहले आपने सीड के शेप के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया, या तो राउंड होगा या तो रिंकल्ड होगा। अब राउंड होगा तो राउंड येलो भी हो सकता है, राउंड ग्रीन भी हो सकता है, रिंकल्ड है तो रिंकल्ड येलो हो सकता है, रिंकल्ड ग्रीन हो सकता है। राउंड येलो के लिए जीनोटाइप लिखेंगे r-y-, ये हो जाएगा राउंड येलो का जीनोटाइप, r-yy हो जाएगा राउंड ग्रीन का जीनोटाइप, रिंकल्ड येलो का हो जाएगा r-r-y-, एंड रिंकल्ड ग्रीन का हो जाएगा r-r-yy। इस तरीके से 9/16, 3/16, 3/16 एंड 1/16, यानी 9:3:1, ये फिनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा। डाईहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक रेशियो जो होते हैं 9 बॉक्स या 4 बॉक्सेस रूल में जो है आप लिख के 1:2:1, 2:4:2 एंड 1:2:1 हो सकता है। तो इस तरीके के कंडीशंस आप बना सकते हैं। इवन जीनोटाइप के लिए 3 जीनोटाइप आप शो करते हैं, मैंने ये फिनोटाइप के लिए केस बताया था। अगर आपको जीनोटाइप के लिए करना है तो भी फोर्क मेथड अप्लाई कर सकते हैं। फॉर द फर्स्ट जीन, अगर ए जीन के लिए 3 जीनोटाइप, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल स्मॉल ए एंड स्मॉल स्मॉल ए कैपिटल ए के लिए 3, और जीनोटाइप बी के लिए, कैपिटल ए को आप बी के लिए करेंगे तो कैपिटल बी से मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी से करेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी से करेंगे, कैपिटल ए का सेम करेंगे तीनों का, कैपिटल बी के कैपिटल स्मॉल ए के साथ सेम, कैपिटल बी के बी वाले के कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी का मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल स्मॉल ए के साथ, और इसी तरीके से टोटल 9 जीनोटाइप, क्योंकि 3 × 3 × 3 × 3 ऐसे करके टोटल 9 आ जाएंगे। और इसका जीनोटाइप देखेंगे तो 1:2:1, 2:4:2 एंड 1:2:1, दिस इज अ जीनोटाइपिक रेशियो, और ये कंडीशंस आपके साथ अपीयर होता है। इसको 9 बॉक्स के तौर पे ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट आप क्या करिए, अगर आप ए को नीचे लिख रहे हैं 3 बार ए लिखिए, कैपिटल ए कैपिटल कैपिटल ए 3 बार, फिर कैपिटल स्मॉल ए 3 बार लिखिए, फिर स्मॉल ए 3 बार। अगर आपने ए को ऐसे लिखा है 3 बार, तो बीबी को ऐसे लिखिए, कैपिटल बी 3 बार हॉरिजॉन्टल लिखिए, फिर कैपिटल बी स्मॉल बी 3 बार जो है हॉरिजॉन्टल लिखिए, फिर उसके बाद स्मॉल बी 3 बार हॉरिजॉन्टल लिखिए, यही हो जाएगा आपके टोटल 9 जीनोटाइप्स। ये हो गए 4 पहला बॉक्स, इसमें हो गए 9, ये हो जाएंगे 3, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, अगर आपने पढ़ा होगा तो। इस तरीके के कंडीशंस जो है वो आपके साथ आते रहते हैं। गैमेट मेथड का यूज कर सकते हैं पेरेंटल प्रोजेनी को आइडेंटिफाई करने के लिए। यू नो दैट कि अगर नॉर्मली डाईहाइब्रिड रेशियो है उसमें लिंकेज नहीं है तो 9:3:3:1 आता है फिनोटाइपिक रेशियो इन द केस ऑफ सेल्फ क्रॉस। लेकिन जैसे ही टेस्ट क्रॉस करेंगे ये रेशियो 1:1:1 हो जाएगा।
क्योंकि वहां पे सारे गैमेट्स एक एक के बराबर बनते हैं। ये फॉर्मुला मैंने बताया था कि कैसे आप डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा किसी भी हाइब्रिड का रेशियो निकाल सकते हैं। ये कैसे निकालेंगे, 3 to power n करके उसके साथ रिड्यूस 3 to power n टू 3 to power n-1 इस टू 3 to power n-2 3 to power n-3 एंड सो ऑन करते हुए चले जाइए। ये कब तक करेंगे, जब तक कि आपका 1 नहीं आ जाता है। अब ये इनकी वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ हाइब्रिड, ये होती है नंबर ऑफ हाइब्रिड। अगर मोनो हाइब्रिड है तो n, अगर डाइहाइब्रिड है 2, ट्राइहाइब्रिड है 3, टेट्राहाइब्रिड है तो 4 एंड सो ऑन। अब कितनी बार कौन सा वैल्यू रिपीट होगा, ये होता है पास्कल ट्रायंगल के ऊपर। पास्कल ट्रायंगल में आपको लिखना बताया था मैंने कि कैसे जो है 1-1 करके जोड़ते हैं, 101 101 101 112 एंड सो ऑन, फिर उसके बाद 101 123 123, फिर 101 101 134 136 314 एंड सो ऑन। इस तरीके से पास्कल ट्रायंगल चलता हुआ चला जाएगा। तो यूज करिए और जो है इसको यूज, इसको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए, अगर 3 कैरेक्टर है तो पहले एक कैरेक्टर को आपने कर दिया, जैसे मैंने हाइट को यहाँ पे सेग्रीगेट किया पहले टॉल एंड ड्वार्फ। इसके बाद अब टॉल होगा तो वो येलो भी हो सकता है, वो ग्रीन भी हो सकता है, और ड्वार्फ होगा तो येलो भी ग्रीन भी। अब येलो होगा तो वो राउंड भी हो सकता है, रिंकल्ड भी हो सकता है, ग्रीन भी होगा तो राउंड और रिंकल्ड, येलो है तो राउंड और रिंकल्ड, ग्रीन है तो राउंड एंड रिंकल्ड। तो इस तरीके से आपने ट्राई हाइब्रिड में पूरा फिनोटाइपिक रेशियो भी निकाल सकते हैं, दैट इज द फॉर्क मेथड। इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। नाउ मूविंग एट द प्रोबेबिलिटी, जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करने की कोशिश करते हैं तो जब भी किसी कॉइन को टॉस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी की जो है यही फॉर्मूला होता है कि दैट पॉसिबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम, टोटल कितने पॉसिबल इवेंट्स है उसके हिसाब से पॉसिबल आउटकम होते हैं। अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड या तो टेल 1/2 1/2, अगर दो को करेंगे तो हेड टेल, ऐसे इस तरीके के कॉम्बिनेशन में आपके कंडीशंस बन सकते हैं। तो उस केसेस में आपके कितने बनेंगे, या तो एक पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, या तो टेल हेड आए या टेल टेल आए, इस तरीके के जो है कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। और वहां पे सेट्स बनता है पॉसिबल आउटकम और टोटल आउटकम का, और उसी तरीके से 3 बनेगा तो उसके आपके टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 होंगे तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो दिस काइंड ऑफ कंडीशंस जो है वो आपके साथ अपीयर होते हैं और कॉइन को टॉस कर सकते हैं, डिपेंडिंग की कितनी बार आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं या कितने कॉइन को साइमल्टेनियस टॉस कर रहे हैं। यहाँ पे अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम 2, 2 को करते तो टोटल 4, 3 को करते तो टोटल 8, यानी 2 to power n जो होता है वो टोटल आउटकम चलता रहता है। और उसमें हेड टेल किसकी प्रोबेबिलिटी है वो आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। इवन प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके डाइस पे भी पूछी जाती है, अगर एक सिंगल डाइस को रोल करेंगे तो डाइस को रोल करते तो सिंगल में प्रोबेबिलिटी किसी भी नंबर के आने के जो चांसेस होते हैं वो होते हैं 1/6। लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि दो डाइस को जो है रोल किया जा रहा है या एक ही डाइस को दो बार रोल किया जा रहा है तो उसमें सम ऑफ द डाइस क्या होगा। तो उसके लिए जो है मैंने एक रूल बताया था आपको कुछ इस तरीके से, इसमें क्या करना है कि सम को 2 से शुरू करना है, 7 पे यहाँ पे रोकना है, उसके बाद 12 तक नीचे आना है। और ये प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 इस करके अगर 7 दोनों डाइस पे सम 7 पूछा जा रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 6/ जो है 36 हो जाएगा। इस तरीके से जो है सम ऑफ द 2 डाइस आप यूज कर सकते हैं। इवन द सम ऑफ द 3 डाइस अगर आपसे पूछा जाए तो भी आप निकाल सकते हैं कि 3 डाइस के लिए यहाँ पे 3 से लेके 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 तक आपको आके रुकना है। और ये जो हो जाता है ये कुछ इस तरीके से प्रोबेबिलिटी के नंबर्स है, कितने नंबर्स बनेंगे यू कैन कैलकुलेट इट। तो इस तरीके की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस मैंने बताई थी डाइस इवन कॉइन के बेसिस पे आप कर सकते हैं। इवन जेनेटिक्स में भी जो है जेनेटिक्स में भी प्रोबेबिलिटी को यूज किया जाता है, खासकर मल्टीप्लीकेशन और एडिशन रूल। मल्टीप्लीकेशन और एडिशन रूल का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कहीं पे एंड आता है तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन रूल, ए एंड बी समथिंग, किसी भी प्रोबेबिलिटी में एंड जब लगता है तो वो मल्टीप्लीकेशन की बात आती है, और कहीं पे जो है और लगता है तो वहां पे एडिशन की बात आती है। और का मतलब एडिशन, एंड का मतलब जो है मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप दो कैरेक्टर लेके चले टॉल एंड रेड, एंड यहाँ पे ड्वार्फ एंड व्हाइट, यहाँ पे एंड लग रहा है। एंड सिमिलरली जैसे ये हेटरोजाइगस बनता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालते हैं। हेटरोजाइगस में आपको पता है कि ये इसे और इससे सेल्फ क्रॉस किया, सेल्फ क्रॉस करने से बाद यहाँ पे देखिए जैसे इसकी अगर मैं जीनोटाइप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता हूँ, ये देखिए टॉल एंड रेड है और यहाँ पे एंड लगने का मतलब मल्टीप्लीकेशन है। इसी वजह से इसमें जो प्रोबेबिलिटी आप निकालते हैं वो 3/4, क्योंकि ए डैश की प्रोबेबिलिटी 3/4 होती है, एंड इनटू लगाते हैं 3/4, यानी इसीलिए 9/16 होता है। वाई 9/16, वाई मल्टीप्लाई बिकॉज यहाँ पे एंड लगता है और नहीं लगता। लेकिन कभी कभी केसेस क्या हो जाते हैं और लग जाते हैं, जैसे टॉल रेड एंड टॉल व्हाइट, अगर कभी ऐसे पूछा जाए तो टॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी 9/16 और लगा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा सम। तो जैसे सम लगाएंगे टॉल रेड एंड टॉल व्हाइट की होने की 3/16, तो ये हो जाएगा 12/16 एंड दैट इज 3/4। तो इस तरीके के केसेस जो है वो आपके साथ बनते रहते हैं, जब भी एंड लगेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे ही और लगा वहां पे एडिशन हो जाएगा, एंड और चलता रहता है। इसके अलावा जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोजेनी निकालने के लिए आपको ये रूल याद रखना होता है, और ये रूल मैंने
क्लासिफाई जो है डिटेल में बताया हुआ है, अगर जिसने पढ़ा होगा उसे पता है, नहीं पढ़ा है तो आप ध्यान रख लीजिए। अगर होमो का मल्टीप्लाई होमो के साथ हो तो प्रोबेबिलिटी जीनोटाइप की हमेशा वन होगी, अगर होमो का मल्टीप्लाई हेटरो के साथ होगा तो जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी, प्रोजेनी की प्रोबेबिलिटी जीनोटाइप की 1/2 होगी, अगर हेटरो इनटू हेटरो का मल्टीप्लाई हो रहा है तो होमो पूछेगा तो 1/4, हेटरो पूछेगा तो 1/2, अगर ए बार पूछ रहा है तो 3/4, अगर डबल बार पूछ रहा है तो 1 हो जाएगा। इस तरीके से जो पैरेंटल जीनोटाइप दे देता है और प्रोजेनी का जीनोटाइप पूछ देता है, उसमें आप पैरेंटल प्रोजेनी देखो कि हेटरो इनटू हेटरो है, अगर हेटरो इनटू हेटरो है तो नीचे अगर होमो पूछा है या हेटरो पूछा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी लिखो, अगर होमो और इनटू होमो है तो 1 लिख दो, हेटरो इनटू होमो है तो 1 लिख दो, कुछ इस तरीके से हेटरो इनटू होमो है तो 1 हो जाएगा, हेटरो इनटू हेटरो है तो क्या पूछा है उसके बेसिस पे उसकी प्रोबेबिलिटी लिखे, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी में बाइनोमियल थ्योरम या मल्टीनोमियल थ्योरम की कॉन्सेप्ट आता है, पॉलीनोमियल थ्योरम, जिसमें कि आप अगर किसी भी पर्टिकुलर केसेस में दो ही आउटकम है, जैसे कि सेक्स के केसेस में मेल या फीमेल, जैसे कि बॉय या गर्ल, जैसे कि सक्सेस या फेलियर, जैसे कि हेड और टेल, जैसे कि विन और लूज, इस तरीके के जहां पे दो ही आउटकम सिर्फ पॉसिबल होते हैं उस केसेस में लगाते हैं आप बाइनोमियल थ्योरम, और जहां पे आउटकम दो से ज्यादा हो जाए, जैसे कि अगर सेक्स लिंग में बॉय है और एल्बाइनो डिजीज, एक गर्ल है एल्बाइनो डिजीज, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, या बॉय है नॉर्मल या गर्ल है नॉर्मल, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी यहाँ पे, जहां पे मोर देन टू आउटकम है, अगर आउटकम जो है वो मोर देन टू हो, अगर आउटकम जो है वो मोर देन टू आउटकम हो तो उस केसेस में लगता है आपके पॉलीनोमियल, और आउटकम जो है सिर्फ टू आउटकम हो तो वहां पे लगता है बाइनोमियल। इन कंडीशंस में बॉयज के केसेस या गर्ल्स के केसेस या कभी कभी जो है आपके जनरली क्रॉसेस जो होते हैं उसमें टॉल एंड डॉर्फ की प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, अगर इवेंट जो है वो अनऑर्डर्ड हो, अगर इवेंट अनऑर्डर्ड हो, अगर ऑर्डर्ड है तो फिर उसमें बाइनोमियल लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अनऑर्डर्ड है जिसमें ऑर्डर पता नहीं है, जैसे कि चंगू के 5 बेटे हैं, 5 में से 2 लड़कियां हैं, लेकिन पता ही नहीं कि पहले 3 लड़के थे कि पहले 2 लड़कियां थी, 1 लड़का 1 लड़की, कैसे हुआ है कुछ ऑर्डर पता ही नहीं है, उन केसेस में आप इस प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला का लगाते हैं कि अगर चंगू के पास 5 बेटे हैं तो उसमें से 2 लड़कियां और 3 लड़के हैं, लेकिन अगर मुझे ऑर्डर नहीं पता है तो इसी में से मैं 1 को मानूंगा एन, एन को मानूंगा एस, दूसरे को मानूंगा टी, एन एस टी, और इसकी प्रोबेबिलिटी ब्रॉय की हो जाएगी 1/2 और आपकी गर्ल की हो जाएगी 1/2, लेके रखो इस फॉर्मूले में, निकाल दो फटाफट आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इसी तरीके से अगर आपके पास 6 लोग हैं, 6 में से 4 जो है वो 4 बेसिक तौर पे गर्ल्स है और 2 बॉयज है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एन मान लेंगे 6, एस मान लीजिए 4 और 2 मान लीजिए बॉयज के लिए, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड 1/2 ये फॉर्मूला रखा, सॉल्व किया तो आपको आ जाएगा 15/64। इसी तरीके से अगर 4 लड़के हैं, 4 में से 2 बॉय 2 गर्ल है तो 4 हो जाएगा n, 2 हो जाएगा s, 2 हो जाएगा t, और प्रोबेबिलिटी 1/2 करके सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके के केसेस आपको देखने को मिलते हैं, इवन कई केसेस में जो है अल्बाइनो, यानी कई केसेस में मल्टीपल प्रोबेबिलिटी होती है, कि जब उन केसेस में आपके पास प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो या अलग अलग हो तो लेके सॉल्व करिए, और सॉल्व कर सकते हैं बाइनोमियल और मल्टीनोमियल के साथ। जैसा कि मैंने बताया एलीलिक इंटरेक्शन में 2 एलील्स जो होते हैं वो आपस में इंटरेक्शन शो करते हैं, या तो वो इंटरेक्शन कैसा हो सकता है, बाई एलीलिक, अगर 2 एलील्स है यानी किसी भी जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म 2 है, मतलब उसमें सिर्फ एक ही म्यूटेशन हुआ, एक वाइल्ड टाइप और एक म्यूटेंट फॉर्म, अगर किसी जीन में एक से ज्यादा म्यूटेशन हो, एक वाइल्ड टाइप और एक से ज्यादा म्यूटेंट हो, तो उसमें मल्टीपल एलील के केसेस भी बनते हैं, अगर 2 एलील है तो बाई एलीलिक, अगर 2 से ज्यादा है तो मल्टी एलीलिक। बाई एलीलिक के केसेस में जो इंटरेक्शन हो सकते हैं उसमें होते एक्सप्रेशन में इंटरेक्शन, और वो इंटरेक्शन कैसे होते हैं, जैसे कि डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, जैसा भी मैंने बताया। इसके अलावा लीथल भी हो सकता है, लीथल का मतलब एक एलील दूसरे के साथ अगर इंटरेक्ट करे तो डेथ कॉजिंग डेथ जो है कॉज कर दे। उसके अलावा मल्टी एलीलिक में ज्यादातर जो इंटरेक्शन होता है वो डोमिनेंस या कोडोमिनेंस का होता है, जैसा कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में आप देखते हैं। तो इसके अलावा जब मैं बात करूं तो इन द केस ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस का क्या मतलब था, जो हेटरोजाइगस था उसका फिनोटाइप जो है किसी डोमिनेंट फिनोटाइप जैसा होगा, अगर हेटरोजाइगस का फिनोटाइप डोमिनेंट के फिनोटाइप जैसा हो तो इसको बोलते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। इसके अलावा अगर हेटरोजाइगस का फिनोटाइप ना ही डोमिनेंट ना ही रिसेसिव, उनके बीच का इंटरमीडिएट हो तो इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो 3:1, जीरोटिपिक रेशियो 1:2, 1:2:1 होता है, लेकिन इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों ही रेशियो 1:2:1 होते हैं। इसके अलावा कोडोमिनेंस की बात करें तो यहाँ पे ज्यादातर ब्लड ग्रुप और खासकर MN ब्लड ग्रुप को जो है यूज किया जाता है। इन दिस केस जहाँ पे दोनों के दोनों हेटरोजाइगस होते हैं, दोनों फिनोटाइप को साइमल्टेनियसली डोमिनेंट के तौर पे शो करते हैं, यानी MB होगा NB होगा, तो उस केसेस में LM और LN जो है वो MN ब्लड ग्रुप कहलाता है। तो इस तरीके के केसेस में कोडोमिनेंस को आप शो करते हैं, तो LM एंड LN जो होता है वो कोडोमिनेंस को शो किया जाता है। इसके अलावा कोडोमिनेंस के एग्जांपल के तौर पे कई सारे लोग
एबीओ ब्लड ग्रुप को बोलते हैं, लेकिन एबीओ ब्लड ग्रुप एक्चुअली में कंप्लीट कोडोमिनेंस नहीं होता। एबीओ ब्लड ग्रुप में डोमिनेंस और कोडोमिनेंस दोनों देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि एबीओ ब्लड ग्रुप में जो आई ए और आई बी होते हैं ये एक दूसरे में कोडोमिनेंस शो करते हैं, लेकिन जो आई ए या जो आई बी होते हैं ये आई जीरो या आई के साथ जो होते हैं वो डोमिनेंस शो करते हैं। यानी जब आई ए और आई जीरो होगा तो आई ए आई जीरो पे डोमिनेंट हो जाएगा, या जब आई बी आई जीरो होगा तो आई बी आई जीरो पे डोमिनेंट हो जाएगा। इसीलिए आई बी भी बी ब्लड ग्रुप होता है और आई बी आई जीरो भी बी ब्लड ग्रुप होता है, क्योंकि आई बी आई जीरो पे या आई ए आई जीरो पे डोमिनेंट हो जाता है। यानी एबीओ ब्लड ग्रुप में सिर्फ कोडोमिनेंस नहीं है, इसमें जो है डोमिनेंस और कोडोमिनेंस दोनों ही रिलेशन होते हैं। ये ध्यान रहे, ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने के लिए आपको पता है कि कुछ जो है सेल पे कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, उसके लिए जैसे कि आरबीसी को मैं शो करूं तो इस पे सबसे पहले फ्यूकोसिल ट्रांसफरेजेस होते हैं। फ्यूकोसिल ट्रांसफरेजेस क्या ऐड करते हैं? फ्यूकोज को ऐड करते हैं। फ्यूकोज ऐड करते हैं, ये होता है ओ ब्लड ग्रुप। और जैसे यहां पे आता है एक एंजाइम जिसको बोलते हैं नैक ट्रांसफरेजेस, नेक ट्रांसफरेजेस इसी के ऊपर नेक को ऐड करेगा और ये हो जाएगा ए ब्लड ग्रुप। और अगर इसी फ्यूकोज के ऊपर जो है गैलेक्टोसिल ट्रांसफर जाएगा और गैलेक्टोज ऐड करेगा तो यही हो जाएगा बी ब्लड ग्रुप। अब एक ब्लड ग्रुप के ही अगर गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज या बी पे नेक ट्रांसफरेज आ जाए तो इसी पे नेक और गैलेक्टोज और फ्यूकोज तीनों आ जाए तो यही हो जाता है ए बी ब्लड ग्रुप। और इसी के साथ जो है आरएच एंटीजन का भी कॉन्सेप्ट आता है। आरएच के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है डी और एक होता है सीई। डी जिसमें से सबसे कॉमन होता है, अगर डी प्रेजेंट है तो आरएच पॉजिटिव, अगर डी एब्सेंट है तो आरएच नेगेटिव। याद रहे कि आरएच का जो आपस में रिलेशन होता है वो कोडोमिनेंस का नहीं होता है। आरएच के जो रिलेशन होते हैं यानी आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव का रिलेशन कोडोमिनेंस का नहीं होता। यानी अगर किसी के पास आरएच एंटीजन सिर्फ कैप एक है और दूसरा माइनस है तो ऐसा भी टोटल आरएच पॉजिटिव ही कहलाता है। यानी आरएच का आपस में जो रिलेशन होता है वो डोमिनेंस होता है, ना कि कोडोमिनेंस होता है, जैसा कि एबीओ ब्लड ग्रुप या एमएन में आप देख रहे होते हैं। तो आरएच का आपस में रिलेशन डोमिनेंस का शो करते हैं। तो इस तरीके के रिलेशन जो है वो आपके पाए जाते हैं। कई सारे पाथवे भी पैसे पूछे जाते हैं कि अगर कोई सेंट्रल पाथवे है इसके थ्रू ये सब्सट्रेट इस प्रोडक्ट इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो रहा है, अब ये ए फिनोटाइप में हो रहा है, ये बी में, ए बी में हो रहा है, ये बी में हो रहा है, इसके लिए कुछ एंजाइम्स चाहिए, तो अगर इस एंजाइम को म्यूटेट कर दे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा। इस तरीके के कंडीशन से आप जीनोटाइप से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा निकाल सकते हैं। जैसे अगर ए डैश एच डैश लिखा गया, यानी कि ये जो है डोमिनेंट फिनोटाइप को शो किया, ऐसा जीनोटाइप है जिसका मतलब ए भी बनेगा एच भी बनेगा। अगर H बनेगा तो H से H बनेगा और इससे A बन जाएगा, तो इसका मतलब है A फिनोटाइप बनेगा। अगर ये जीनोटाइप है तो इसका मतलब H तो बनेगा लेकिन स्मॉल स्मॉल की वजह से A नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से A फिनोटाइप नहीं बनेगा। ये जीनोटाइप होगा तो यानी कि B बन जाएगा, ये होगा तो सिर्फ H बनेगा, ये होगा तो आपके पास O फिनोटाइप होगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल स्मॉल होने की वजह से ये जो है यहाँ पे नहीं होगा और O फिनोटाइप बना देगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके साथ आते रहते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप में, तो ब्लड ग्रुप में कई बार जो है क्रॉसेस देख के जो है मैचिंग, यानी कि कौन से ब्लड ग्रुप से कौन सा बच्चा जो है पैदा हुआ है वो निकाला जाता है। अब चंगू की बात करें तो चंगू में याद रहे कि जब भी ब्लड ग्रुप को क्रॉस किया जाता है तो प्रोजनी के पास छह ही जो है पॉसिबल जीनोटाइप हो सकते हैं, या तो ओ हो, या तो ओ के साथ ए हो, या तो ओ के साथ बी हो, या तो ए और बी सिर्फ हो, या तो ए बी और ए बी हो, ये तीनों मिले, और साथ में या तो ए बी और ओ भी मिले। यही छह पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो ही सकते हैं। ओ तभी मिलेगा जब दोनों पेरेंटल ओ एन ओ हो, यानी चंगू और चंगुआइन दोनों अगर ओ एन ओ है तो सिर्फ ओ मिलेगा। अगर ओ और ए तभी मिलेगा जब एक पेरेंटल ओ हो और दूसरा पेरेंटल ए हो, या ए इंटू ए के कंडीशंस में जो है ये कंडीशंस मिलता है, या ए इंटू ए या ओ इंटू ए, इस तरीके के कंडीशंस में जो है कंडीशंस आपके अपीयर होते हैं। यानी कि अगर बात करें तो एक तो ओ होना ही चाहिए, दूसरा या तो ए हो या तो ओ हो, इस कंडीशंस में जो है आपको ये मिलेगा। ओ और बी तब मिलेगा जब एक पेरेंट ओ हो और दूसरा पेरेंट बी होना चाहिए, या तो बी हो या तो जो है कंडीशंस इस तरीके से होते हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इन द केस ऑफ ए बी, इस कंडीशन में ओ और ए बी को क्रॉस किया जाएगा तभी मिलेगा सिर्फ ए और बी। और अगर एक पेरेंट ए बी है और दूसरा पेरेंट या तो ए हो या तो बी हो या तो ओ हो, उस कंडीशंस में जो है आपको क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। और अगर सिर्फ ए और बी का क्रॉस किया जा रहा है, ये सबसे यूनिक क्रॉस होता है, जब अगर ए ब्लड ग्रुप को बी ब्लड ग्रुप के साथ क्रॉस किया जाए तो कहीं ना कहीं ए बी ओ होगा, ए बी ओ, यानी कि चारों जो है जीनोटाइप या चारों ब्लड ग्रुप सिर्फ इसी कंडीशन में मिलेंगे जब एक पेरेंट ए हो और दूसरा पेरेंट बी हो। इसके अलावा कहीं पे भी चारों प्रोजेनी में एक साथ मिलते नहीं है, और प्रोबेबिलिटी उसी के हिसाब से 1/4 1/4 1/4 यहाँ पे कर सकते हैं। इसी के साथ लीथल एलील की बात करते हैं, तो लीथल एलील जो होता है ये डेथ कॉजिंग एलील होता है। ये ऑटोजोमल क्रोमोजोम पे भी हो सकता है या सेक्स क्रोमोजोम पे भी हो सकता है। ऑटोजोमल पे है तो डोमिनेंट पे है कि रिसेसिव है, डोमिनेंट पे होगा तो होमो और हेट्रो दोनों लीथल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल ए जिसमें प्रेजेंट होगा वो लीथल होगा, यानी होमो और हेट्रो दोनों लीथल हो जाएंगे। अगर रिसेसिव होगा तो स्मॉल ए कर रहा है, या स्मॉल ए करेगा तो सिर्फ और सिर्फ होमो जाएगा, तो रिसेसिव जो है वो लीथल हो जाएगा। सेक्स क्रोमोजोम पे तो एक्स पे है कि वाई पे है, अगर वाई पे होगा तो सारे के सारे मेल लीथल हो जाएंगे, और अगर एक्स पे है तो एक्स पे जो है फीमेल या मेल की कहानी आ जाएगी। अब एक्स एक्स पे है तो उसमें डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, उस कंडीशंस में जो होमो हेट्रो लीथल होंगे और इसमें रिसेसिव लीथल होगा, इस तरीके का लीथल कंडीशंस जो है बन सकता है।
है। तो याद रखिए, अगर मैं होमोजाइगस रिसेसिव में लीथल की बात करूं, यानी कि स्मॉले स्मॉले जो है अगर ये जीनोटाइप आया तो वो जीनोटाइप जो है वो लीथल यानी डेथ कॉज कर जाएगा। अगर देखिए एक हेटरो को क्रॉस करूंगा तो मुझे एक एपल मिलेगा, दो कैपल स्मॉले मिलेंगे और एक स्मॉले स्मॉले, तो टोटल चार में से एक जो है तीन जिंदा रहेंगे और दो एक जो है वो मर जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो एक्चुअली में जो कि 3:1 आना चाहिए तो वो 2:1 ही आता है। इवन जब हेमीजाइगस कंडीशन की बात करते हैं तो भी इवन रिसेसिव कंडीशन में भी आपके पास दो फीमेल जिंदा रहेंगी और एक मेल मर जाएगा, क्योंकि एक्स अगर वाई के साथ या एक्स स्मॉले के साथ वाई चला जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। इस तरीके के कंडीशंस को आप शो करते हैं। ये सारे एलेलिक इंट्रेक्शन, इसके बाद जो है जीनिक इंट्रेक्शन आता है। एलेलिक इंट्रेक्शन जो थे हमने देखे, जैसे कि आपके डोमिनेंस कंप्लीट डोमिनेंस लीथल एंड कोडोमिनेंस। इसके अलावा जो है हमने देखा नॉन एलेलिक, नॉन एलेलिक का मतलब जीन इंट्रेक्शन। जीन इंट्रेक्शन की बात करें तो दो जीन आपस में इंट्रेक्शन में, दो जीन वो होते हैं जिनका लोकस अलग अलग है, अब इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा भी है कम भी हो सकता है। अब यहाँ पे दो जीन्स की बात करें ए और बी, अब ए और बी कभी कभी क्या होता है कि वन जीन वन ट्रेट की बात होती है, यानी एक ट्रेट एक ही जीन से डिसाइड होता है, लेकिन कई बार कुछ ट्रेट्स या कुछ कलर या कुछ फिनोटाइप जो होते हैं दो जीन डिसाइड करते हैं। ऐसे कंडीशंस में जीन में आपस में क्या होता है इंट्रैक्शन होता है। अब इंट्रैक्शन के केसेस में बात करें तो एक एपिस्टैटिक होगा एक हाइपोस्टैटिक। एपी का मतलब जो सप्रेस कर रहा है और जो सप्रेस हो रहा है वही हो जाएगा हाइपोस्टैटिक। तो इस तरीके के जीन इंट्रैक्शन को आप शो करते हैं। याद रहे कि एलिलिक इंट्रैक्शन में कंप्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करते हैं, लेकिन जीन जो है वो एक नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन है, यानी कि इसमें जो है अलग अलग लोकस के जीन्स इंट्रैक्ट कर रहे हैं और ये मास्क करते हैं। जो मास्क करता है वो एपिस्टैटिक है, जो मास्क होता है वो आपके जो हाइपोस्टैटिक होते हैं। अब मास्क करता है तो उस केसेस में डोमिनेंट और रिसेसिव एपिस्टेसिस होते हैं, और डुप्लीकेसी में डोमिनेंट डुप्लीकेसिव या डुप्लीकेटिव डोमिनेंट या डुप्लीकेट रिसेसिव जो है एपिस्टेसिस होते हैं। तो याद रहे कि जनरल मेंडेलियन हाइपोथेसिस में क्या होता है, एक बेसिक तौर पे हम जब शो करते हैं तो वहां पे दो जीन्स को शो कर रहे होते हैं, यानी ए ए और बी बी, या ये जो जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं किसी न किसी एंजाइम को बनाते हैं और वो एंजाइम किसी न किसी फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और वो फिनोटाइप यहाँ पे आपको दिख रहा होता है। जब दो जीन दो अलग अलग फिनोटाइप को करें तो वो वन जीन वन ट्रेट का कॉन्सेप्ट होता है मेंडेलियन में आप देखते हैं, लेकिन जीन इंट्रैक्शन में इसका उल्टा होता है। इस तरीके के कंडीशंस आप ऐसे शो कर सकते हैं। याद रहे कि जैसे मैंने यहाँ पे दो सबस्ट्रेट को यहाँ पे शो किया है, एक सबस्ट्रेट यहाँ और एक सबस्ट्रेट यहाँ, ये व्हाइट सबस्ट्रेट ये भी व्हाइट सबस्ट्रेट, व्हाइट सबस्ट्रेट को ईवन एंजाइम बता रहा है येलो कलर में और इसी व्हाइट सबस्ट्रेट को E2 एंजाइम बना रहा है रेड कलर में। ईवन को बनाने वाला है ए डैश, यानी ए जीन बनाता है ईवन को, यानी कैपिटल ए कैपिटल या कैपिटल स्मॉल ए ईवन को बना सकता है। उसी तरीके से E2 को बनाने वाला है बी जीन, बी डैश जो है B2 को E2 को बना रहा है। अगर जो है ईवन और E2 होंगे तो येलो कलर और रेड कलर बनेंगे और दोनों स्पॉन्टेनियसली मर्ज होकर या ज्वाइन होकर ब्राउन कलर का एंड प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये देखिए एक ही जो है फिनोटाइप उसके लिए दोनों जीन रिस्पॉन्सिबल है, तो वन ट्रेट दो जीन का कंडीशन बन रहा है। अब ऐसे कंडीशन में इनमें इंटरेक्शन क्या है, वही एपिस्टेसिस को रिलेट करता है। लेकिन अगर इसमें इंटरेक्शन नहीं हुआ, इसमें कोई जीन इंटरेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, याद रहे कि अगर ए डैश बी डैश है तो यानी ए डैश से ईवन बनेगा बी डैश से E2 बनेगा, यानी दोनों एंजाइम बनेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट ब्राउन बनेगा। अगर ए डैश स्मॉल बी है जो दूसरा मैंने बॉक्स बताया था, ए डैश से ईवन बनेगा लेकिन इससे E2 नहीं बनेगा, और जब ईवन बनेगा तो आपको येलो कलर मिलेगा लेकिन रेड कलर नहीं मिलेगा, इसी वजह से आपको येलो कलर का प्रोडक्ट मिलेगा। एंड इन द केस ऑफ जब ए डैश ए ए बी डैश है तो E2 बनेगा, E2 की वजह से रेड कलर मिलेगा येलो नहीं मिलेगा, और जिसकी वजह से आपको रेड कलर का प्रोडक्ट मिलेगा। एंड अगर स्मॉल 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 बी स्मॉल बी हुआ तो दोनों नहीं मिले एंड व्हाइट कलर का जो है प्रोडक्ट मिलेगा, इसलिए ब्राउन येलो रेड व्हाइट, ब्राउन येलो रेड व्हाइट रेशियो 9:3:3:1 ये कंडीशंस आपके पास आ जाता है। याद रहे कि इसमें जो है 9:3:3:1 में ये जो 9 होता है वो एक्चुअली में आपका एंड प्रोडक्ट होता है, और जो 1 होता है ये भी ये एंड प्रोडक्ट है, और ये आपका वाइट सबस्ट्रेट होता है, और बीच में जो 3:3 होते हैं ये एक्चुअली में इंटरमीडिएट होते हैं। जब भी किसी पाथवे की बात आती है तो उसमें कौन से इंटरमीडिएट होंगे और कौन से जो है सबस्ट्रेट एंड की तरफ होंगे, जो आपका सबस्ट्रेट होगा वो 1 मिलेगा, जो प्रोडक्ट होगा वो 9 मिलेगा, और ये मिलेगा 3, ये मिलेगा 3, हमेशा इस तरीके के कंडीशंस आते रहते हैं। याद रहे कि सबस्ट्रेट एंड एंड प्रोडक्ट आर द पैरेंटल वन एंड एंड इंटरमीडिएट्स आर द रिकॉम्बिनेंट वन। आई रिपीट, जो एंड प्रोडक्ट्स और सब्सट्रेट होते हैं वो पैरेंटल वन होते हैं और जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वही रिकॉम्बिनेंट होते हैं। जब इसका टेस्ट पास करोगे तो अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तो इन्हीं का रेशियो 1:1:1 मिलेगा, लेकिन अगर लिंकेज होगा तो फिर इनका प्रोपोजिशन जो है वो बदल जाएगा। इस तरीके के कंडीशंस आप देखने की कोशिश करते हैं, तो वही चीज यहाँ पे आ रही है। अगर आप इसका टेस्ट क्रॉस करोगे तो आपको ये जो चार गैमेट मिलते हैं, इन चारों गैमेट का प्रोपोर्शन 1:1:1 मिलेगा, यानी सभी जो है इक्वल प्रोपोर्शन में मिलेंगे, 25% 25% 25% 25%, यानी 50% पैरेंटल 50% रिकॉम्बिनेंट मिलने वाला है, लेकिन तब जब इनके बीच में कोई लिंकेज ना हो। लेकिन लिंकेज होगा तो रिकॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, जितना परसेंटेज डिस्टेंस उतना ही रिकॉम्बिनेशन और उतना ही रिकॉम्बिनेंट बनेगा। तो इस तरीके के कंडीशन जो है आपके साथ चलते रहते हैं। फिलहाल के तौर पे मेंडेलियन पाथवे में जैसा मैंने बताया कि लिंकेज हो भी सकता है और लिंकेज नहीं भी हो सकता। अगर लिंकेज है
50 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस है तो उसमें डिस्टेंस के बेसिस पर रिकॉम्बिनेशन डिसाइड होगा, जितना परसेंट डिस्टेंस उतना रिकॉम्बिनेशन। अगर 20% 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो 20% रिकॉम्बिनेशन, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो 30% रिकॉम्बिनेशन, 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो 40% रिकॉम्बिनेशन, 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो 50 सेंटीमीटर। लेकिन उसके अलावा जो है अगर 50 से ऊपर चलते चले जाएंगे तो रिकॉम्बिनेशन हमेशा 50 ही होगा, यानी मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन 50 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस चाहे कितना भी हो मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन 50 ही हो सकता है, यानी 50 से ज्यादा चाहे जितना भी डिस्टेंस हो उस केसेस में आपके रिकॉम्बिनेशन क्या होंगे 50% ही होंगे। तो इस तरीके के कंडीशन जो है आपके साथ चलते रहते हैं। नो लिंकेज की जब हम बात करते हैं तो लिंकेज अगर नहीं है तो डिस्टेंस 50 से ज्यादा हो सकता है, उस केसेस में 50% रिकॉम्बिनेंट होगा। अगर 50% रिकॉम्बिनेशन होगा तो 50% रिकॉम्बिनेंट 50% पैरेंटल बनेगा, और 50% रिकॉम्बिनेंट में दो रिकॉम्बिनेंट होते हैं इसलिए 25% वन रिकॉम्बिनेंट 25% दूसरा रिकॉम्बिनेंट बनेगा, एंड उसी के तरीके से 50% पैरेंटल में 25% पैरेंटल वन एंड 25% पैरेंटल टू मिलेगा। तो इस तरीके के जो गैमेट्स आप चार गैमेट्स शो करते हैं वो यही गैमेट्स शो करते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी, ये पैरेंटल ये पैरेंटल ये रिकॉम्बिनेंट जनरली यही शो करते हैं अगर सिस कॉन्फ़िगरेशन में है तो। उसी के बेसिस पे जो है आपके रिकॉम्बिनेंट और पैरेंटल जो है कंडीशंस डेवलप होते हैं 20 25 25 25। अगर लीकेज नहीं है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है तो लीकेज होगा तो जितना परसेंट डिस्टेंस होगा दोनों जीन के बीच में 50 से कम उतना ही रिकॉम्बिनेशन बनेगा। यानी अगर फॉर एग्जांपल कि इनके बीच में 20 सेंटीमॉर्गन है तो रिकॉम्बिनेंट 20% बनेगा और पैरेंटल 80%, यानी एक रिकॉम्बिनेंट 10 और दूसरा रिकॉम्बिनेंट 10 हो जाएगा और 40-40 हो जाएंगे दोनों पैरेंटल। इस तरीके के जो है कंडीशंस डिवाइड होते हैं। तो याद रहे कि इस कंडीशन में मैंने वही पाथवे अगर व्हाइट सब्सिट में येलो कलर का इंटरमीडिएट रेड कलर का इंटरमीडिएट और ब्राउन कंडीशंस को डेवलप किया, अगर इसके केसेस में जो है मैंने ए और बी के बीच में डिस्टेंस को शो किया 70 सेंटीमॉर्गन, अगर ए और बी के बीच में 70 यानी 50 से ज्यादा है 50 से ज्यादा तो उसमें कोई लिंकेज नहीं होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तो 50% रिकॉम्बिनेंट 50% पैरेंटल, यानी कि रिकॉम्बिनेंट और पैरेंटल जो है यानी कि येलो और रेड भी 1:1 बनेंगे, इवन व्हाइट और ब्राउन भी 1:1 बनेंगे, यानी सब 1:1:1 बनेगा। यानी कलर की जब बात करते हैं तो रेड येलो व्हाइट ब्राउन ये 1:1:1 बनेगा अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है तो। लेकिन मैंने ए और बी के बीच में जीन जो शो कर दिया वो 10 सेंटीमॉर्गन, यानी यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा होगा वो 10% रिकॉम्बिनेशन हो रहा होगा, यानी जो रिकॉम्बिनेंट बनेगा 10% रिकॉम्बिनेंट 90% पैरेंटल। अब इस 10% रिकॉम्बिनेंट में दो रिकॉम्बिनेंट 5 और 5 हो जाएंगे इक्वल हाफ में, और 90% पैरेंटल से दोनों पैरेंटल जो हो जाएंगे वो आपके 45-45 हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने पांचवें बताया था कि पैरेंटल जो होते हैं वो एंड प्रोडक्ट और सबसेट होते हैं, यानी व्हाइट जो है 45 और व्हाइट ब्राउन हो जाएगा, और रेड और येलो जो कि इंटरमीडिएट है रिकॉम्बिनेंट है वो आपके 5-5% हो जाएंगे। इस तरीके से आप जो है रेशियो शो कर सकते हैं और इनका रेशियो जो निकाल सकते हैं। ऐसे पाथवे जो है आते हैं जीन इंटरेक्शन के केसेस में, तो जब भी आप इस तरीके के केसेस देखें तो सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिए अगर डिस्टेंस 20 सेंटीमॉर्गन तो रिकॉम्बिनेंट 20 बनेगा पैरेंटल 80 बनेगा, उस हिसाब से रेशियो को डिवाइड करोगे तो 1:1:4:4 आ जाएगा रिकॉम्बिनेंट 1 पैरेंटल 1 कुछ इस तरीके से। 30 होगा तो 70% जो है पैरेंटल बनेगा, 30% क्या बनेगा रिकॉम्बिनेंट। 40 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस होगा तो 60% पैरेंटल बनेगा 40% रिकॉम्बिनेंट बनेगा। 50 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस होगा तो पैरेंटल 40% बनेगा रिकॉम्बिनेंट 50% बनेगा। अगर 60 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस हुआ तो भी पैरेंटल 50% ही बनेगा और रिकॉम्बिनेशन 50% ही होगा क्योंकि मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन 50% हो सकता है। इस तरीके के केसेस आपको देखने को मिलते हैं। नाउ अगर एक पाथवे मैंने यहाँ पे कलरलेस कलर से ब्लू ब्लैक ब्राउन ब्लैक में किया तो यानी कलरलेस पैरेंटल हो जाएगा, ब्लैक पैरेंटल हो जाएगा, ब्राउन रिकॉम्बिनेंट और जो है ब्लू रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा। अगर मैंने इसके बीच में डिस्टेंस जो शो किया है वो 30 सेंटीमॉर्गन शो किया है, 30 सेंटीमॉर्गन का मतलब यह है कि 30% रिकॉम्बिनेंट और 70% पैरेंटल, यानी 70 का यानी 35% ये पैरेंटल बनेगा 35% ये पैरेंटल बनेगा और उसके अलावा जो है 30 में से 15% ये रिकॉम्बिनेंट बनेगा और 50% ये रिकॉम्बिनेंट बनेगा। तो कलर के बेसिस पे आप पता कर सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी कलरलेस कलर से ब्लू पिंक एंड मैजेंटा, जब इसको जोड़ेंगे तो आपके पास पता है कि ये रिकॉम्बिनेंट एक है एक रिकॉम्बिनेंट दो है, ये पैरेंटल है पैरेंटल है, डिस्टेंस मैंने 40 शो किया, 40 में से 40 रिकॉम्बिनेंट यानी 20% ये रिकॉम्बिनेंट 20% ये रिकॉम्बिनेंट, उसके अलावा 60 पैरेंटल यानी 30% ये पैरेंटल और 30% ये पैरेंटल। इस तरीके के कंडीशंस जो है वो डेवलप कर सकते हैं। ये सुनो, तो इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस जो है आपके जो है एपिस्टेसिस में आएंगे तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एपिस्टेसिस में जो होते हैं वो डोमिनेंट एपिस्टेसिस रिसेसिव एपिस्टेसिस डुप्लीकेट डोमिनेंट एंड डुप्लीकेट रिसेसिव के रेशियो जो है वो आते हैं। डोमिनेंट एपिस्टेसिस का मतलब ये वाला जो जीनोटाइप होता है वो दोनों को मास कर दे बी माइनस और स्मॉल बी को, जिसकी वजह से जो रेशियो आ जाता है वो 12:3:1 आ जाता है। इन द केस ऑफ रिसेसिव एपिस्टेसिस ये वाला जीनोटाइप जो है वो मास करता है बी जीन को, तो इसलिए रेशियो आ जाता है 9:3:4। इसके अलावा डुप्लीकेट रिसेसिव में जो ये डुप्लीकेट डोमिनेंट में ये दोनों फिनोटाइप्स जो है जीनोटाइप के फिनोटाइप सेम हो जाते हैं इसलिए उनको डुप्लीकेट डोमिनेंट बोलते हैं, रेशियो आ जाता है 15:1। इन द केस ऑफ डुप्लीकेट रिसेसिव में स्मॉल ए और स्मॉल बी का फिनोटाइप जो है सेम हो जाता है इसलिए 9:3:9:7 का रेशियो आ जाता है, इसी को कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन बोलते हैं। पाथवे के तौर पर जब हम बात करते हैं मेंडेलियन पाथवे में तो इसमें आपको एक सबस्ट्रेट
और सबस्ट्रेट से दो अलग अलग इंटरमीडिएट, और उससे क्या बनता है एक एंड प्रोडक्ट। और यह एंड मेंडेलियन पाथवे जो हम देख रहे थे 9:3:3:1 में, या टेस्ट कॉस्ट में 1:1:1 लिंकेज वाला कॉन्सेप्ट देखा था। इसके अलावा डोमिनेंट में क्या था कि कोई भी एक सबस्ट्रेट या तो दो अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है विद द टू और डिफरेंट एंजाइम्स, जिसकी एक ही एफिनिटी ज्यादा रहेगी। डुप्लीकेट डोमिनेंट में क्या होता है कि एक सबस्ट्रेट एक ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है जिसमें दोनों एंजाइम्स जो है अल्टरनेटिवली यूज किए जा सकते हैं। इन द केस ऑफ जो है रिसेसिव एंड डुप्लीकेट रिसेसिव में दो स्टेप का पाथवे होता है जिसमें इंटरमीडिएट का कलर अगर डिफरेंट है तो वो रिसेसिव होगा, और अगर वो सब्सट्रेट जैसा है तो वही आपका डुप्लीकेट रिसेसिव हो जाएगा। रेशियो हमेशा ध्यान रखना कि रेशियो इन द केस ऑफ मेंडल में 9:3:1 होगा, डोमिनेंट में 12:3:1 होगा, इन द केस ऑफ डुप्लीकेट डोमिनेंट 15:1, डोमिनेंट रिसेसिव 13:3, रिसेसिव में 9:3:4 एंड डुप्लीकेट रिसेसिव में 9:7, और 9:7 ही कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन होता है। इसके अलावा यहीं पे होता है प्रोटोट्रॉफ ऑक्सोट्रॉफ वाला कंडीशंस, जो कि कई बार आता है जीन डाइसेक्शन के केसेस में। जब भी हम प्रोटोट्रॉफ की बात करते हैं तो कोई ऐसा स्ट्रेन जिसके पास हर इसेंशियल जीन प्रेजेंट हो, और ऑक्सोट्रॉफ कोई ऐसा स्ट्रेन जिसके पास कोई इसेंशियल जीन प्रेजेंट ना हो। अगर जिसके पास कोई इसेंशियल जीन प्रेजेंट ना हो उसे वो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी एज ए सप्लीमेंट्री मीडिया। तो उसी तरीके के कंडीशंस को यूज किया था बीडल एंड टैटम ने, और यूज किया था खासकर जीन के डाइसेक्शन के लिए। जब कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे होता है तो उसमें कई सारे जो है एक इनिशियल सब्सट्रेट से एक एंड प्रोडक्ट होता है और कई सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए कैसे पता चलेगा? हर एक एंजाइम का म्यूटेंट क्रिएट किया, और क्रिएट करने के बाद पता किया कि कौन से रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे E1 को म्यूटेट कर दूं तो A के बाद ये प्रोसेस पाथवे ब्लॉक हो जाएगा और बी सी डी ई एफ नहीं बनेगा, इसलिए हमें उसे सप्लीमेंट्री मीडिया में देना पड़ेगा। अगर हमने E1 को म्यूटेट किया तो हमें बी चाहिए, सी चाहिए, डी चाहिए, ई चाहिए, इन सभी में जो है मुझे मिलेगा, वो ग्रोथ मिलेगी। अगर मैं बात करता हूं कि इन द केस ऑफ E2, अगर E2 को करेंगे तो आपको सी डी ई एफ चाहिए तो सी डी ई एफ की वजह से ग्रो करेगा। इन द केस ऑफ E3 अगर को ब्लॉक किया तो डी ई एफ उसके बाद वाले ये चाहिए, एंड सो ऑन। इस तरीके से जो है कंडीशंस डेवलप हुआ और इस तरीके का चार्ट आ जाता है। अब ऐसे चार्ट से पाथवे और म्यूटेंट निकालने के लिए बेसिक तौर पे क्या किया जाता है, एक पॉजिटिव काउंट करिए, या तो हॉरिजॉन्टल काउंट करिए या वर्टिकल। अगर आपको स्टेप्स काउंट करने हैं तो आप कॉलम वाइज काउंट करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। जैसे ये मैंने काउंट किया 0, यहाँ पे देखिए 0 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी ए बी सी डी ई एफ ये पाथवे हो जाएगा। म्यूटेंट के लिए क्या करो कि आप पॉजिटिव काउंट करो 5, 4, 3, 2, 1, म्यूटेंट क्योंकि रो वाइज है तो रो वाइज काउंट किया और इसको डिक्रीजिंग में रखा, यानी सबसे पहले 5, 4, 3, 2, 1, 5 वाला ए और बी के बीच में आएगा, 4 वाला जो है बी और सी के बीच में आएगा, 3 वाला जो है सी और डी के बीच में, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, काउंट करना है पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये उसी ऑर्डर में प्रेजेंट है जिस ऑर्डर में होना चाहिए। म्यूटेंट के लिए काउंट करें तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, यानी सबसे हाईएस्ट जो होगा सबसे पहले होगा, यानी देखिए मेट 4 पहले, फिर मेट 3, उसके बाद फिर मेट 2 एंड मेट 1, इस तरीके के केसेस जो है बन सकते हैं। यहाँ पे भी वैसे कंडीशन से पॉजिटिव चार्ज काउंट करिए, देखिए इसमें 0, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3 एंड इसमें 4, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से अरेंज करो। तो 0 वाला क्या है बी, उसके बाद 1 वाला क्या है सी, एंड उसके बाद क्या है दैट इज डी एंड ई एंड देन ए, तो ये हो जाएगा बी सी डी ई ए, दिस इज द पाथवे। म्यूटेंट के लिए क्या करोगे, इधर से काउंट करोगे और सबसे हाईएस्ट वाले को सबसे पहले रखोगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो एम 4 यहाँ पे आएगा इन दोनों के बीच में, फिर एम 3, फिर एम 2 एंड फिर एम 1, दिस इज द वे दैट हाउ कैन यू सॉल्व द पाथवे एज वेल एज म्यूटेंट्स जो है फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। सेम काइंड ऑफ कंडीशंस यहाँ पे हो सकते हैं, देखो काउंट कर सकते हो, इसमें काउंट करोगे पॉजिटिव तो 1, इसमें काउंट करेंगे तो 3, इसमें काउंट करेंगे तो 4, इसमें 0 और इसमें 2, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो 0, 1, 2, 3, 4। 0 क्या है, 0 है आपका D, 1 है A एंड 2 है आपका E, दैट उसके बाद है B, 0 के बाद D, A, 1, 2, 2 के बाद E है, E के बाद B, B के बाद C, C के बाद यस। तो यहां पे यस, तो ये C तक ही जो है यहाँ पे कंडीशन है 4 तक। तो यहाँ पे कंडीशन जो है वो बन गया, देखिए डी ए ई बी सी जो ऑर्डर हो जाएगा डी ए बी सी इस तरीके का ऑर्डर हो जाएगा। तो 0, 1, 2, 3, 4 मैंने एक एक 4 ज्यादा लिख दिया था, तो कंडीशन जो है ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके के कोर्सेज जो है जीन ऑर्डर में आ जाएंगे एंड यू कैन जो है फटाफट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है बात करते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, तो कॉम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि कोई भी जीन कॉम्प्लीमेंट तब करेगा जब वो डिफरेंट कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप में हो, यानी कि अगर दोनों जीन अलग अलग सेम म्यूटेशन में होंगे और वहीं पे म्यूटेशन में करूं तो ऑब्वियसली बात है कि अगर सेम जीन या सेम ग्रुप में म्यूटेशन होगा तो ए भी म्यूटेंट, उसके साथ ए भी म्यूटेंट आएगा। अगर दोनों सेम ग्रुप में होंगे तो साथ में आने के बाद कॉम्प्लीमेंटेशन शो नहीं करेंगे, कॉम्प्लीमेंटेशन तब होगा जब म्यूटेंट्स जो है वो क्या दूसरे ग्रुप में है। तो इसी चीज को यूज किया गया था म्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंटेशन के लिए कि जब जो जीन्स डिफरेंट लिंकेज ग्रुप के होंगे या डिफरेंट जो है कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप के होंगे,
याद रखिए जो कॉम्प्लीमेंटेशन शो करेगा यानी जो पॉजिटिव होगा वो डिफरेंट ग्रुप का होगा और जो नेगेटिव होगा वो सेम ग्रुप का होगा, इसीलिए ग्रुप को बनाया जाता है। सेम ग्रुप के लिए अगर बात करूं तो देखो एप्रिकॉट यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, और ये जो है कंडीशन है, यानी एप्रिकॉट खुद के लिए कॉम्प्लीमेंटेशन शो नहीं करेगा, साथ में बफ चेरी कोरल एंड व्हाइट के साथ नहीं शो कर रहा है, यानी कि ये सारे ग्रुप्स एक ही ग्रुप है। तो यहाँ पे जब मैं कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप की बात करता हूँ तो उसमें एप्रिकॉट बफ चेरी कोरल एंड व्हाइट एक ही ग्रुप में आएंगे। उसके बाद बात करते हैं तो ब्राउन, ब्राउन को देखें तो वो किसी के साथ नहीं आ रहा इसलिए ब्राउन अकेला है। इसके बाद बात करते हैं बफ ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद जब देखें कार्नेशन वो किसी के साथ नहीं आ रहा तो वो अकेले ग्रुप में है। इसके बाद बात करते हैं चेरी आ चुका है, क्लैरेट वो भी अकेले है किसी के साथ नहीं, तो इस तरीके से ग्रुप्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कौन किसके ग्रुप के साथ है, जब मैं ए की बात करता हूँ तो 1 3 4 यानी ए आ रहा है 1 3 4 के साथ, तो आपने ए को रख दिया 1 3 4 के साथ। बी को देखिए बी आ रहा है 5 और 6 के साथ, तो बी को रख दिया 5 6 के साथ। सी आ रहा है 2 के साथ, तो आपने सी को रख दिया 2 के साथ। इसके बाद डी ई भी आ रहा है 1 3 4 के साथ, तो आपने उसी ग्रुप में डी को भी रख दिया। इसके बाद बात किया ई ई आ रहा है आपके 2 के साथ, जिसके साथ सी आ रहा था वहां पे आपने ग्रुप में रख दिया। जिसके साथ नेगेटिव है वही सेम ग्रुप में होगा, जिसके साथ पॉजिटिव है वो सेम ग्रुप में नहीं होंगे। याद रहे कि नेगेटिव वाले ही क्या करेंगे, सेम ग्रुप में होने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद लिंकेज और मैपिंग की कंडीशंस की बात करते हैं, तो लिंकेज एंड मैपिंग में क्या कंडीशंस बनेगा, यहाँ पे मैपिंग को लोकेशन ऑर्डर डिस्टेंस इस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब लोकेशंस के लिए जो है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन डिलीशन मैपिंग या कुछ इस तरीके के कंडीशंस होते हैं। लोकेशन के लिए सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्डर के लिए डिलीशन मैपिंग, डिस्टेंस के लिए बेस पेयर का है तो बेस पेयर मैपिंग करिए, मिनट्स के लिए तो माइक्रोबियल मैपिंग, और सेंटीमॉर्गन मैप यूनिट परसेंटेज है तो मॉलिकुलर मैपिंग या जीन मैपिंग कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं मैपिंग के लिए तो कहां पे सेंट्रोमियर से कहां पे डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है मैप यूनिट में, ये पता करने के लिए लिंकेज एंड मैपिंग का यूज किया जाता है। मिनट में मेजर करें तो माइक्रोबियल के लिए हो जाएगा, सेंटीमॉर्गन में करें तो मॉलिकुलर हो जाएगा, किलो बेसमेंट में करें तो उसको फिजिकल मैपिंग बोलते हैं। कई बार क्या होता है फिजिकल मैपिंग ज्यादा और जो है बेसिक तौर पर मॉलिकुलर मैपिंग या रिकॉम्बिनेशन कम होता है, तो ऐसे केसेस को आप कोल्ड स्पॉट रीजन भी बोलते हैं। फिलहाल के तौर पे इसमें एक वैल्यू आता है, इसको बोलते हैं लॉर्ड स्कोर। लॉर्ड स्कोर ये बताता है कि किसी भी दो पर्टिकुलर जीन्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन है कि नहीं है या लिंकेज है कि नहीं है। अब इसके लिए जो है एक फॉर्मूला होता है लॉर्ड स्कोर का, जिसको बोलते हैं लॉगरिथमिक ऑफ ऑड्स, लॉग प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकेज डिवाइड बाई लॉग प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी जो लिंकेज और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बीच की जो प्रोबेबिलिटी है वो लॉगरिथमिक रिलेशन है, यानी कि अगर जो है लॉर्ड स्कोर की वैल्यू 1 बढ़ रहेगा तो जो लिंकेज और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जो रिलेशन है वो 10 गुना बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो रिलेशन है वो लॉगरिथमिक है। तो उसका 10^10 अगर रखा जाए तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकेज और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का फॉर्मूला आएगा, या प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकेज दैट इज गोइंग टू बी 10^10 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी अगर लॉर्ड स्कोर की वैल्यू 1 0 होगी तो लिंकेज और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी। ऐसे केसेस में भी आप कोई लिंकेज कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि लिंकेज एफिशिएंट तब होगा जब लिंकेज जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के 10^3 टाइम्स ज्यादा हो, यानी 1000 गुना ज्यादा हो। जब लिंकेज की प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की प्रोबेबिलिटी से 1000 गुना ज्यादा हो तब जाके आप लिंकेज को कंसीडर करेंगे। तो इसके लिए जो है लॉर्ड स्कोर की वैल्यू कम से कम 3 होनी चाहिए। लॉर्ड स्कोर की वैल्यू 0 है तब भी लिंकेज नहीं मानेंगे, 1 है तब भी लिंकेज नहीं मानेंगे, 2 है तब भी लिंकेज नहीं मानेंगे, क्योंकि 0 का मतलब बराबर, 1 का मतलब 10 टाइम्स, 2 का मतलब 100 टाइम्स, 3 का मतलब 1000 टाइम्स। एंड जब लॉर्ड स्कोर की वैल्यू 3 होती है तब जाके लिंकेज की प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के से 1000 टाइम्स ज्यादा होती है, और इस केस में लिंकेज को कंसीडर किया जाएगा। तो लॉर्ड स्कोर 3 से ऊपर चाहे 4 5 6 हो वहां पे आप लिंकेज कंसीडर करेंगे। तो लॉर्ड स्कोर की एक पूरी स्केल होती है जिसमें लॉर्ड स्कोर की वैल्यू 0 1 2 में लिंकेज नहीं होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होंगे, और 3 से लेके 3 के ऊपर चाहे जितनी लॉर्ड स्कोर की वैल्यू उसमें लिंकेज कंसीडर करने वाले हैं। इस तरीके केसेस बन जाते हैं। इसके अलावा होता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें 2 सोमेटिक सेल्स को आपस में हाइब्रिडाइज किया जाता है, और हाइब्रिडाइज करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, पैग या फ्यूजोजेंस। पैग होता है पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल, जिसमें 2 सेल फ्यूज होते हैं। अब दोनों के दोनों न्यूक्लियस अगर रह जाए तो इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और उसमें से एक न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाए तो उसी को बोलते हैं साइब्रिडाइजेशन। ये केस किया जाता है जीन के लोकेशन को किस क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है आइडेंटिफाई करने के लिए। और इसके अलावा जो है अगर जीन के लोकेशन की बात करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके का कंडीशन जो है वो आपको अपीयर होता है। जीन के लोकेशंस के लिए बहुत सिंपल ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि एक आपके पास सेल लाइंस होंगे, जीन का प्रोडक्ट होगा, कौन किस पे प्रेजेंट है, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट। अगर सिंपल शब्दों की बात करें तो देखिए, अगर मैं ई की बात करूं तो ई जो है किसी पे प्रेजेंट नहीं है, तो ई किसी को आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। अब यहां पे ई अगर किसी पे प्रेजेंट नहीं है तो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द लोकेशन ऑफ द जीन ई, क्योंकि ई किसी पे नहीं है। लेकिन अगर आप बात करते हैं तो ए जो है ई और एफ पे है, तो ई और एफ पे देखेंगे कहां पे प्रेजेंट है, तो वो आपको आ जाएगा बी वाले पे आसानी से, जो है 20 क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है ए का लोकेशन। जीन बी का लोकेशन देखें तो प्लस प्लस माइनस करेंगे तो प्लस प्लस माइनस प्लस आ जाएगा।
बी वाला जो है फोर्थ क्रोमोजोम पे है, सी की बात करें तो प्लस माइनस माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, ये देखिए प्लस माइनस, ये हो जाएगा सी के लिए, ये हो जाएगा बी के लिए, ये हो जाएगा ए के लिए। इसके अलावा अगर डी की बात करें तो वो है माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो इसमें जो है माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, कुछ इस तरीके के कंडीशंस को आप शो कर रहे हैं वो है आपका यहाँ पे डी। इस तरीके के क्रोमोजोम्स को आसानी जोड़ी मिलाओ खुद जान जाओ वाला कॉन्सेप्ट है। सिर्फ आंखों का टेस्ट होता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में और कुछ नहीं होता, जस्ट देखो ध्यान से और क्वेश्चन तैयार, क्वेश्चन का आंसर तैयार इस तरीके से आएगा, आप आसानी से देख सकते हो। अगर इस एंजाइम की बात करें तो माइनस प्लस माइनस माइनस देख के सीधे बता सकते हो कि किस क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो वो हो जाएगा आठ नंबर क्रोमोजोम पे। इसी तरीके से वन वाला किस पे प्रेजेंट होगा, टू वाला किस पे होगा, थ्री वाला किस पे होगा, आप इजीली जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वन वाला जो होगा नाइन पे होगा, टू वाला जो होगा वो आपके किस कंडीशन में आ रहे हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस फोर पे हो जाएंगे, और थ्री वाला जो हो जाएगा वो एक्स पे हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये है आपका सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा एक होता है डिलीशन मैपिंग। डिलीशन मैपिंग में क्या किया जाता है कि क्रोमोजोम को डिलीट किया जाता है। इन द केस ऑफ डिलीशन मैपिंग क्रोमोजोम्स को सिक्वेंसली डिलीट करते हैं, और डिलीट करके उन सेगमेंट्स को क्या करते हैं, अलाइन करते हैं, और अलाइन करके जो है पूरा ऑर्डर निकाल लेते हैं। ज्यादातर ऐसे केसेस में जो है वो आपको इस तरीके के सीक्वेंसेस आते हैं जिसमें कि डिलीशन सेगमेंट्स और ये रीजन्स को शो किया जाता है। जो डिलीशन सेगमेंट्स होते हैं उसी से पता किया जाता है। यहाँ पे देखिए जो डिलीटर सेगमेंट्स है वो है आपके सी और डी। इसके अलावा जो है यहाँ पे क्या है आपके सी ई एफ है, तो उसी तरीके से जो सेगमेंट्स होते हैं आप उस तरीके से मेंशन करते हैं सी डी फिर सी ई एफ एंड देन कनेक्ट करते हुए चले जाते हैं और अलाइन करके जो है फाइनली ऑर्डर निकाल देते हैं। उसी तरीके के क्वेश्चंस कई बार आते हैं जब आप म्यूटेंट्स को निकालेंगे। देखिए यहाँ पे बी सी डी है, तो आपने म्यूटेंट को बी सी डी लिखा, उसके बाद फिर डी ई है, फिर आपने डी ई किया एंड सो ऑन, इस तरीके से जो है कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जैसे बी सी डी सी डी फिर डी ई एंड इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, जीन का ऑर्डर आपको निकल जाएगा। वही क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बी सी डी, तो आपने यहाँ पे लिखा बी सी डी, फिर उसके बाद हो गया सी डी, फिर आपने सी डी मैच किया, ये यानी ये होगा सी और ये होगा डी, जो सब में कॉमन है वही आप उस तरीके से निकालिए कि देखिए बी कितना कॉमन है या ई किस में आ रहा है, तो वो उस तरीके से वहां मैच करिए और निकाल दीजिए, और ये हो जाता है आपका डिलीशन मैपिंग। कई सारे क्वेश्चन इस पे आते रहते हैं। इसके बाद आता है लिंकेज एंड मैपिंग। लिंकेज और मैपिंग में जो है लिंकेज और मैपिंग में एक कॉन्सेप्ट आता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, जिसमें अगर होमोलोगस पेयर की हम बात करते हैं तो होमोलोगस पेयर में क्या होते हैं कि अगर ये जो है प्रॉपर 100% क्रॉसिंग ओवर हो तो 50% पैरेंटल और 50% रिकॉम्बिनेंट बनते हैं, और इस केसेस में जो है आपको सारे गैमेट्स 1:1:1 मिलते हैं टेस्ट क्रॉस के केसेस में। लेकिन अगर इनके पेयर की जब हम बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में आपके पास क्रॉसिंग ओवर लेस होता है। ऐसे केसेस में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो पैरेंटल की ज्यादा हो जाती है और रिकॉम्बिनेंट की कम हो जाती है, जो मैंने अभी बताई थी। ऐसे केसेस को बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज, और कुछ केसेस में जो होता है कंप्लीट लिंकेज का कॉन्सेप्ट बनता है। तो इस तरीके के केसेस आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन जो है वो आप कह सकते हैं। इसके अलावा रिकॉम्बिनेशन वगैरह कैलकुलेट करने का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला होता है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी में आप नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डिवाइडेड बाय टोटल कर सकते हैं। आपके पास 2 पॉइंट क्रॉस आ सकते हैं या आपके पास 3 पॉइंट क्रॉस आ सकते हैं। यह है 2 पॉइंट क्रॉस की वैल्यू, जहां पे बेसिक तौर पर अगर हम बात करें तो आपको नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट मिल जाएगा, जो कि जनरली नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट जो होते हैं वो 2 पॉइंट क्रॉस में पैरेंटल से कम होते हैं। तो दो वैल्यू कम होगा, दो वैल्यू ज्यादा होगा, तो कम वालों को जोड़िए वही नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट, उसके बाद टोटल से डिवाइड करके जो है बेसिक तौर पर परसेंटेज निकाल दीजिए, क्योंकि आपको पता है जितना सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस होगा उतना ही परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन होगा। तो इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, जितना रिकॉम्बिनेशन होगा उतना ही डिस्टेंस होगा, तो जितना रिकॉम्बिनेशन होगा उतना ही डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए आपके पास चार जो जीनोटाइप, उसमें से जो लोवेस्ट वाले होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, वही आपके पेरेंट वो रिकॉम्बिनेंट हो जाएंगे, जो हायर वाले होंगे पेरेंटल होंगे। रिकॉम्बिनेंट का नंबर लिया, टोटल से डिवाइड किया, ये हो जाएगा आपकी वैल्यू, उस हिसाब से उसके बीच में डिस्टेंस आप बता सकते हैं कितने सेंटीमॉर्गन होगा। इसके अलावा अगर ये वैल्यू बराबर हो जाए, इन सभी गैमेट्स की वैल्यू 1:1:1 हो जाए, मतलब नियरली इक्वल हो जाए, तो आप ये बोलेंगे कि इनके बीच में कोई लिंकेज नहीं है। लिंकेज नहीं है तो इनके बीच का डिस्टेंस 50 सेंटीमॉर्गन है, उससे ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सिस और ट्रांस का कंडीशंस भी डेवलप हो सकता है। अगर डोमिनेंट फिनोटाइप यानी किसी जीन का दोनों ही जो है डोमिनेंट या वाइल्ड टाइप फिनोटाइप एक ही क्रोमोजोम पे हो तो इसको बोलते हैं सिस कन्फर्मेशन, और अगर दोनों का जो है डोमिनेंट फिनोटाइप बेसिक तौर पे अलग अलग पे हो लाइक दिस वन, तो इसको बोलते हैं ट्रांस कन्फर्मेशन। तो सिस का मतलब दोनों डोमिनेंट एक साइड पे, ट्रांस का मतलब अपोजिट साइड पे, और इसीलिए जो है सिस और ट्रांस अपना अलग अलग काम करते हैं। इसके अलावा क्रोमोजोम में हॉट स्पॉट और कोल्ड स्पॉट की बात आती है। कई बार क्या होता है कि दो जीन्स के बीच में, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया ए और बी और सी के बीच में, अगर इसमें 5 kb इसमें भी है, 5 kb इसमें डिस्टेंस है, डिस्टेंस फिजिकल डिस्टेंस भले ही दोनों बराबर हो लेकिन इसमें रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो, इसमें रिकॉम्बिनेशन कम हो रहा है और इसमें रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो रहा है, 10% से ज्यादा और इसमें 10% से कम,
तो भले ही फिजिकल डिस्टेंस बराबर हो लेकिन रिकॉम्बिनेशन कम हो तो ऐसे को बोलते हैं कोल्ड स्पॉट या लेस रिकॉम्बिजेनिक रीजन। ऐसे को बोलते हैं कोल्ड स्पॉट या लेस रिकॉम्बिजेनिक रीजन, या जिसमें फिजिकल डिस्टेंस बराबर है दोनों में लेकिन रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो रहा है तो ऐसे को बोलते हैं हॉट स्पॉट, या ऐसे को बोला जाता है मोर रिकॉम्बिजेनिक रीजन। तो किस तरीके के कंडीशन जो है वो बनते रहते हैं। तो इस तरीके के मैप जो है थ्री पॉइंट क्रॉस में भी आपको देखने को मिलता है। थ्री पॉइंट क्रॉस में हमेशा आप ध्यान देते हैं कि जब पेरेंटल अगर आपका कैपिटल ए कैपिटल बी ए कैपिटल सी है तो दूसरा वाला स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी होगा, हमेशा अल्टरनेटिव फॉर्म होगा। अगर ये पेरेंटल है तो उसमें कुछ इस तरीके के कंडीशंस होंगे। सिंगल क्रॉसओवर में क्या होगा, सिंगल क्रॉसओवर में पहला छोड़ के बाकी दो चेंज होते हैं कुछ इस तरीके से। अगर सिंगल क्रॉसओवर टू होगा तो पहला दूसरा छोड़ के तीसरा चेंज होगा, और डबल क्रॉसओवर होगा तो उसमें सिर्फ मिडिल चेंज होगा, कुछ इस तरीके के कंडीशंस अपीयर होते हैं। तो जीनोटाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है कि सिंगल क्रॉसओवर में दो चेंज होते हैं, सिंगल क्रॉसओवर टू में सिर्फ थर्ड वाला, और सिंगल डबल क्रॉसओवर में सिर्फ मिडिल वाला चेंज होता है। और इसीलिए आप जो है डबल क्रॉसओवर पेरेंटल को कंपेयर करके जो है वो जीन का ऑर्डर निकालते हैं। जब आप डबल और पेरेंटल को कंपेयर करेंगे तो वहां पे क्या हो जाता है, जीन का ऑर्डर निकाला जाता है। जीन का ऑर्डर निकालने के लिए इनको कंपेयर करेंगे, और हेटरो को याद रखें कंपेयर करने के लिए दो होमो होने चाहिए और एक हेटरो होना चाहिए, और हेटरो जो है वो मिडिल में होना चाहिए, हेटरो जो है वो मिडिल में होना चाहिए। अगर हेटरो मिडिल में है तो वही आपका जीन का ऑर्डर पता चल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से अगर आपके पास जो है दो पेरेंटल, दो सिंगल क्रॉसओवर वन, दो सिंगल क्रॉसओवर टू और दो डबल क्रॉसओवर जो है बनते हैं, टोटल आठ गैमेट बनता है। उस आठ गैमेट में से सबसे मिनिमम जो होता है वो डबल क्रॉसओवर होता है, और सबसे मैक्सिमम जो होता है वो पेरेंटल होता है। सिंगल क्रॉसओवर वन और टू को जीनोटाइप से निकाल सकते हैं। याद रखें जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप पेरेंटल और डबल क्रॉसओवर के जीनोटाइप को लिखिए। पेरेंटल का नंबर जो है और डबल क्रॉसओवर का जीनोटाइप मिलेगा नंबर के बेसिस पे, मैक्सिमम नंबर वाला पेरेंटल, लोअर नंबर वाला डबल क्रॉसओवर, दोनों को कंपेयर करिए। याद रखें कंडीशन क्या है, दो होमो और वन हेटरो, दो होमो और वन हेटरो, हेटरो शुड बी इन मिडिल। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर यहां पे एक ये पेरेंटल है, और अगर मैं जीनोटाइप की बात करता हूं तो यहाँ पे डबल क्रॉसओवर को मैंने लिखा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। अब देखिए ये जो पेरेंटल इस डबल क्रॉसओवर से कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि ये देखो होमो है, ये होमो है लेकिन ये हेट्रो है, तो हेट्रो शुड बी इन मिडिल। तो हेट्रो को मिडिल में करिए तो ऑर्डर हो जाएगा जीन का ए सी बी, कुछ इस तरीके से जीन का ऑर्डर निकाला जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, नंबर यहाँ पे दिए हुए, इस नंबर के बेसिस पे जो है वो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मिनिमम नंबर को आप डबल क्रॉसओवर करेंगे, मैक्सिमम नंबर को पेरेंटल करेंगे। तो मैक्सिमम नंबर से मान लेते पेरेंटल यहाँ पे निकला कैपिटल ए कैपिटल बी सी, और मिनिमम नंबर से निकला जो जीनोटाइप था वो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। ये है डबल क्रॉसओवर, ये है पेरेंटल, कंपेयर किया तो देखिए हेट्रोसाइड में, इसको करिए मिडिल में, तो जीन का ऑर्डर हो जाएगा ए सी बी। उसके बेसिस पे आपका सिंगल क्रॉसओवर क्या होगा, ए सी बी की जगह हो जाएगा ए सी, या ए सिंगल क्रॉसओवर वन को बोलेंगे वो हो जाएगा आपका ए स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल बी, और सिंगल क्रॉसओवर टू हो जाएगा ए कैपिटल सी स्मॉल बी। कुछ इस तरीके से जीनोटाइप निकाल सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं। इसके अलावा इसी में एक फिजिकल और क्रॉसिंग ओवर गैमेट्स का ही पूछा जाता है। अगर ए और बी के बीच में डिस्टेंस 10 सेंटीमॉर्गन हो और बी और सी के बीच में 5 सेंटीमॉर्गन हो तो कितना कौन सा गैमेट बनेगा, वो इस बात पे निर्भर करता है कि इनके बीच में कितना रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाएगा। अगर टोटल 1000 है तो उसके बेसिस पे हम गैमेट प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सिंगल डबल क्रॉसओवर के लिए सिंगल क्रॉसओवर वन एंड सिंगल क्रॉसओवर टू इंटू टोटल कर देंगे, वन के लिए जो है जो आपका बीच का डिस्टेंस है इंटू टोटल कर देंगे। इस तरीके से आप चीजों को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ए बी सी के लिए, ए और बी के बीच में 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है और बी और सी के बीच में 5 है, यानी सिंगल क्रॉसओवर वन के लिए 10% रिकॉम्बिनेशन, एंड सिंगल जो है बी और सी में 5% सेंटीमीटर, मतलब सिंगल क्रॉसओवर टू के लिए 5% जो है 5% रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, यानी टोटल जो रिकॉम्बिनेंट बनेगा वो 15% बनेगा, क्योंकि 10 वन और 5 टोटल ए और सी के बीच में 50 रिकॉम्बिनेंट और पेरेंटल 85, जिसके बेसिस पे ए और बी में 10% और बी और सी में 5% बनेगा। उसके बेसिस पे 1 को प्रेडिक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 को प्रेडिक्ट करेंगे, एंड ये पेरेंटल आप इस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं पेरेंटल 1 की बात करूं तो वो 85 का कितना बनेगा, 42.5, अगर 1000 हो जाएंगे तो 425 ये बनेगा, दूसरा पेरेंटल भी 425 बनेगा। सिंगल क्रॉसओवर 1 10 का आधा करेंगे तो 5 and 5 बनेगा, और 5 के लिए जो है प्रेडिक्ट करेंगे तो वो 50 and 50, इस तरीके से कंडीशंस को प्रेडिक्ट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे 20 और 10 किया तो 30% रिकॉम्बिनेंट बनेंगे, और उसके अलावा 70% पेरेंटल, और पेरेंटल में दो जो बनेंगे वो 35-35 बनेंगे, और इस 30% रिकॉम्बिनेंट में सिंगल क्रॉसओवर 1 एंड 2 बन रहे थे, जिसमें से 20 जो है आपका 1 बन रहा था, 10 जो है वो 2 बन रहा था। 20 का हाफ करेंगे तो दो सिंगल क्रॉसओवर 1 बनेंगे, और 10 का 5 करेंगे तो दो जो 5 और 5 सिंगल क्रॉसओवर 2 बनेंगे। तो इस तरीके से करके आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से सिंगल क्रॉसओवर 1 एंड 2 बन रहा था। इसके अलावा जो है जब सिंगल क्रॉसओवर 1 एंड 2 होते तो इसमें चांस होता है कोइंसिडेंस का डबल क्रॉसओवर होने के लिए, तो इसीलिए कोइंसिडेंस को कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज ऑब्जर्व्ड अपॉन एक्सपेक्टेड। जो ऑब्जर्व डबल क्रॉसओवर होता है टेबल में दिया रहता है,
और एक्सपेक्टेड को आप सिंगल क्रॉसओवर वन एंड सिंगल क्रॉसओवर टू इंटू टोटल करके कैलकुलेट कर सकते हैं, वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस, और उसी से रिलेटेड क्या होता है इंटरफेरेंस, यानी कि इंटरफेरेंस का मतलब वो एक दूसरे को इंटरफेयर कर रहे हैं या एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं, इसीलिए इंटरफेरेंस का वैल्यू वन माइनस सी होता है, और आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से आपका लिंकेज और मैपिंग आ सकता है। इसके बाद बात करते हैं टेट्राड एनालिसिस के लिए। टेट्राड एनालिसिस जो है वो लिंकेज मैपिंग जैसा ही होता है, लेकिन ये होता है आपके होप्लॉयड जो है फंगस में, मियोसिस में खासकर टेट्राड एनालिसिस किया जाता है। अब टेट्राड एनालिसिस ऑर्डर्ड भी हो सकता है, अनऑर्डर्ड भी हो सकता है, और टेट्राड एनालिसिस जो है जनरली प्रिडिक्ट करने के लिए होता है ऑर्डर ऑफ जी के लिए। तो याद रहे कि एस्कोमाइसिटीज जो होते हैं, जो कि फंगस में एक एस्कस फैमिली एस्कोमाइसिटीज फैमिली होती है जिसमें एस्कोस्पोर्स बनता है, और आपको पता होता है कि कोई भी सेल जो है बेसिक तौर पे डिवाइड करता है पहले इंटरफेज में, उसके बाद जाता है मियोसिस वन में एंड फिर मियोसिस टू में, एंड देन उसके बाद सेपरेशन होता है गैमिट्स का, और उन गैमिट्स का सेपरेशन ही बताता है कि उनके बीच में डिस्टेंस कैसा है सेंट्रोमियर से बीच में। याद रखिए दो तरीके के टेट्रॉड्स होते हैं, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड। अगर सेंट्रोमियर से डिस्टेंस पता करना है तो आपको ऑर्डर टेट्रॉड चाहिए, और दो जीन के बीच का डिस्टेंस चाहिए तो अनऑर्डर चाहिए। आई रिपीट, अगर सेंट्रोमियर से जीन का डिस्टेंस पता करना हो तो आपको ऑर्डर्ड या लीनियर टेट्रॉड चाहिए। सेंट्रोमियर से जीन का बीच का डिस्टेंस, सेंट्रोमियर से जीन के बीच का डिस्टेंस चाहिए तो ऑर्डर टेट्रॉड, और अगर दो जीन के बीच का डिस्टेंस चाहिए तो अनऑर्डर टेट्रॉड चाहिए। ऑर्डर टेट्रॉड के लिए आपको दो चीजें होती है, एफडीएस एंड एसडीएस, फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन एंड सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन। तो जो ऑर्डर टेट्रॉड होते हैं इसमें सेंट्रोमियर से डिस्टेंस पता चलता है, और ये जीन और सेंट्रोमियर के बीच में जो है डिस्टेंस बताते हैं। इसमें एफडीएस फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन एंड सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन, मतलब जो एलील का सेग्रीगेशन हो रहा है वो मियोसिस फर्स्ट में हो रहा है कि मियोसिस सेकंड में हो रहा है। इसके अलावा अनऑर्डर टेट्रॉड की बात करें तो इस कंडीशंस में जो होते हैं वो आपके पास जो बेसिक तौर पे जो टेट्रा टाइप, नॉन पेरेंटल डाई टाइप या पेरेंटल डाई टाइप होते हैं। टेट्रा टाइप का मतलब इसमें जो है आपको पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट गैमेट दोनों मिलेंगे, नॉन पेरेंटल डाई टाइप में 100% रिकॉम्बिनेंट मिलेगा और पेरेंटल डाई टाइप में सिर्फ पेरेंटल मिलेंगे। इसके बेसिस पे आप निकालते हैं और फॉर्मुला का यूज करते हैं। याद रखें जब ऑर्डर टेट्रॉड की बात करते हैं तो लीनियर टेट्रॉड बोलते हैं इसे, और ये डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड सेंट्रोमियर को आइडेंटिफाई करता है। ऑर्डर टेट्रॉड एनालिसिस में दो चीजें होती है, एफडीएस एंड एसडीएस। एफडीएस का मतलब विदाउट क्रॉसिंग ओवर, एसडीएस का मतलब विद क्रॉसिंग ओवर, यानी एफडीएस की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, तो उसमें 100% पेरेंटल मिलेगा, कोई रिकॉम्बिनेंट नहीं मिलेगा। जब रिकॉम्बिनेंट नहीं मिलेगा तो रिकॉम्बिनेशन नहीं पता चलेगा, रिकॉम्बिनेशन नहीं पता चलेगा तो जीन के बीच का डिस्टेंस या सेंट्रोमियर से जीन के बीच का डिस्टेंस पता नहीं चलने वाला। इसलिए आपको क्या लेना रहेगा, एसडीएस, और एसडीएस में 50% पेरेंटल और 50% रिकॉम्बिनेंट है, इसलिए एसडीएस का आप आधा लेते हैं क्योंकि 50% ही रिकॉम्बिनेंट होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड सेंट्रोमियर जब कैलकुलेट करेंगे विथ ऑर्डर तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डिवाइडेड बाय टोटल, यहां पर रिकॉम्बिनेंट जो है वो 50% ऑफ द एसडीएस हो जाएगा एंड द टोटल डिवाइड इनटू 100। इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। याद रखें जब आप ऑर्डर करते हैं तो एफडीएस में क्या होता है, एफडीएस का मतलब फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन, यानी मियोसिस फर्स्ट में ही जो है होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग हो गए, एलील का सेग्रीगेशन हो गया, जिसकी वजह से यहां पे जो रेशियो आता है वो 2:2 आता है टेट्राड में या 4:4 आता है ऑक्टाड में। जब रेशियो 2:2 हो या 4:4 हो तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो जो है एफडीएस है, 2:2 या 4:4 हो तो एफडीएस है। तो इस तरीके के कंडीशंस जो है वो आपके एफडीएस में होते हैं। एसडीएस में क्या होता है कि एसडीएस में सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन होता है, यानी यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है फिर सेग्रीगेशन होता है, और क्रॉसिंग ओवर जो है पहले का थर्ड के साथ हो सकता है या पहले का फोर्थ के साथ हो सकता है या दूसरे का तीसरे के साथ या दूसरे का फोर्थ के साथ, कोई भी क्रॉसिंग ओवर हो, इसमें दो पॉसिबल कंडीशंस बनेंगे। टेट्राड के केसेस में 1:2:1 बनेगा या तो 1:1:1 बनेगा, ये कंडीशंस जो है दो अब डेवलप होने, 1:2:1 या तो 1:1:1। एफडीएस में 2:2 था जबकि एसडीएस में 1:2:1 या 1:1:1 था टेट्राड में, और ऑक्टाड में 2:4:2 होगा या तो 2:2:2 होगा ऑक्टाड में। तो ये एसडीएस को डिफाइन करने का तरीका होता है टेबल में जब भी दिया जाए तब। तो याद रहे एफडीएस में टेट्राड में 2:2, ऑक्टाड में 4:4, एफडीएस को नहीं लेना होता क्योंकि वो 100% पेरेंटल होता है। एसडीएस में टेट्राड में 1:1:1 या 1:2:1 होगा, और ऑक्टाड में 2:2:2 या 2:4:2, इसमें 50% पेरेंटल 50% रिकॉम्बिनेंट होता है, और यही यूज हुआ होता है आपके डिस्टेंस कैलकुलेशन में। तो कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा देखना होता है कि रेशियो कैसा है। जैसे एलएलई कॉम्बिनेशन में यहां देखें तो कैपिटल है, कैपिटल है, स्मॉल स्मॉल है, यानी ये 2:2 है। मैं सिंपल बोल सकता हूं ये एफडीएस है, मुझे इसको लेना नहीं है। ये देखिए 1:2:1 है, यानी कैपिटल है, कैपिटल है, स्मॉल स्मॉल है, कैपिटल है, तो यानी 1:2:1 है, यानी ये एसडीएस होगा, इसका हमें काउंट करना होगा। ये देखिए 2:2 नहीं लेना है, 2:2 नहीं लेना, 1:1:1 एसडीएस लेना है, 1:2:1 लेना है, यानी एसडीएस जो नंबर्स आएंगे 10, 3, 12, 10, 3, 2, इसको 15, 15/2 करेंगे क्योंकि एसडीएस का आधा ही लेना होता है क्योंकि आधा ही रिकॉम्बिनेंट है, तो उसको लेके सॉल्व करेंगे और आप डिस्टेंस बता देंगे कि हाफ ऑफ द 15 यानी 7.5 सेंटीमॉर्गन इज द डिस्टेंस ऑफ द जीन ए बिटवीन द सेंट्रोमियर, यानी कि आप बता सकते हैं कि इस जीन का सेंट्रोमियर से डिस्टेंस कितना है, 7.5 सेंटीमॉर्गन। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2:2, 1:2:1, 2:2, 1:2:1, 1:2:1, 1:2:1, यहाँ पे आप बता सकते हैं एफडीएस कौन है, एसडीएस कौन है, जितने एसडीएस है उसका आधा लो, डिस्टेंस बता दो कि इस सेंट्रोमियर से 10 सेंटीमॉर्गन कितना होगा।
ये एबीसी या किसी भी फॉर्म में आपको देखेंगे, आप हमेशा ध्यान रखिए कि उसमें जो है जो एलिलिक फॉर्म का जो है ओरिएंटेशन देखने की, वो 1:1:1 है या 1:2:1 है या 2:2 है, टेट्राड हो या ऑक्टाड हो, उस हिसाब से देख के एसडीएस निकालिए, एसडीएस का आधा करिए, डिवाइड करिए टोटल से, वही हो जाएगा आपका डिस्टेंस। इसी के बाद जो है टू जीन्स भी हो सकते हैं, जरूरी कि एक ही जीन पूछे, लेकिन जब भी दो जीन पूछे तो एक जीन का अलग दूसरे जीन का अलग लेके चलना है, साथ में कंबाइंड नहीं करना। जैसे यहाँ पे देखे तो एक हिसाब से ये 1:2:1 है लेकिन बी के हिसाब से 2:2 है, तो यही ए के लिए एफडीएस होगा, एसडीएस होगा, जबकि बी के लिए एफडीएस होगा, तो दो जीन्स के लिए हो जाएंगे। तो आप ए और बी को अलग अलग लेके चलिएगा और सॉल्व करिएगा, और फिर उसके बाद एसडीएस का आधा सो ऑन कर सकते हैं, ए और बी का डिस्टेंस हो सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि ए और बी के बीच में जो है दोनों सेम क्रोमोजोम आर पे है कि अपोजिट है, ये पता चलता है आपको अनऑर्डर टेट्राड एनालिसिस से, और वो आपको कैसे कैलकुलेट करना है उसके ऊपर बात थोड़ी देर करेंगे। इसके अलावा जो है आपको जो है तीन जीन भी पूछा जाए तो उसमें भी कंफ्यूजन या परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अलग अलग लेके चलो और ए के लिए अलग देखो, बी के लिए अलग देखो, डी के लिए अलग देखो कि कौन सा जो है किसमें एसडीएस किसमें एफडीएस आ रहा है, एसडीएस का आधा लो, अलग अलग जीन का डिस्टेंस सेंट्रोमियर से पता कर लो। याद रहे ऑर्डर में आप जीन का डिस्टेंस सेंट्रोमियर से पता करते हैं, आपस में नहीं पता करते हैं, जीन का डिस्टेंस इंडिविजुअली सेंट्रोमियर से पता करते हैं। जब अगर आपस में पता करना हो तो उसके लिए अनऑर्डर टेट्राड निकाला जाता है। अब अनऑर्डर टेट्राड में या तो क्रॉसिंग ओवर ना हो, या तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर हो या डबल क्रॉसिंग ओवर हो, इसके बेसिस पे कुल मिलाजुला के कई सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, लेकिन तीन बेसिक कॉम्बिनेशन जो है वो आपको यहाँ पे अपीयर होते हैं। एक आएगा पेरेंटल डाई टाइप जिसमें 100% पेरेंटल होगा, इसको आपको नहीं लेना है। एक होगा टेट्रा टाइप जिसमें 50 पेरेंटल 50 रिकॉम्बिनेंट होगा, इसका आधा आपको लेना है क्योंकि 50% रिकॉम्बिनेंट है। और एक होता है एनपीडी जिसको बोलते हैं नॉन पेरेंटल डाई टाइप जिसमें 100% रिकॉम्बिनेंट होता है। तो जब भी डिस्टेंस की बात आती है दो जीन्स के बीच में, तो उन दो जीन्स में आपको यही कंडीशन देखना होगा कि कौन पीडी है, कौन टीटी है और कौन एनपीडी है। पीडी का मतलब पेरेंटल डाई टाइप, टीटी का मतलब टेट्रा टाइप, एनपीडी का मतलब नॉन पेरेंटल डाई टाइप। जिसमें पूरा पेरेंटल होगा वो पीडी होगा, छोड़ दीजिए, जिसमें टीटी होगा उसमें 50 पेरेंटल 50 रिकॉम्बिनेंट होगा, और जो है टेट्रा टाइप उसमें 100% रिकॉम्बिनेंट होगा। अब पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट पता कैसे चलेगा, ये पता चलेगा नंबर के बेसिस पे, यानी जिसका नंबर जो है वो मैक्सिमम होगा। अब नंबर मैक्सिमम होगा तो वही होगा पेरेंटल, और उस पेरेंटल से आप देखेंगे जीन का कॉम्बिनेशन, तो जीन का कॉम्बिनेशन उससे पता चलेगा और उसी के बेसिस पे आप बता देंगे रिकॉम्बिनेंट। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर किसी का नंबर मैक्सिमम है और जीन का कॉम्बिनेशन ये है ए बी, तो ये अगर पेरेंटल है तो दूसरा पेरेंटल क्या होगा, स्मॉल ए स्मॉल बी होगा, रिकॉम्बिनेंट क्या हो जाएगा, कैपिटल स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी, ये जो है क्रॉसिंग ओवर के बाद निकल जाएगा। इस तरीके से निकाल सकते हैं कि कौन सा जीन पेरेंटल कौन सा रिकॉम्बिनेंट होगा। ये दोनों पेरेंटल होंगे, जहां जहां पे ये गैमेट निकलेंगे पेरेंटल काउंट करिए, ये रिकॉम्बिनेंट हो गए, और देख लीजिए कौन इनकंटिन्यूटी फॉलो करते हैं। डिस्टेंस के बेसिस पे हाफ ऑफ द टेट्रा टाइप क्योंकि उसका 50% जो है रिकॉम्बिनेंट है, और फुल ऑफ द एनपीडी क्योंकि 100% रिकॉम्बिनेंट है, डिवाइड बाय टोटल इनटू 100 करके आगे बढ़ सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से जीन आएगा। जब दो जीन के बीच में आपस डिस्टेंस करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए कि अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें पेरेंटल क्या है, तो मैक्सिमम नंबर क्या है ये है आपका दैट इज 50, तो इसके बेसिस पे देखिए ए बी पेरेंटल है और स्मॉल ए बी पेरेंटल है, एंड दैट वे ये हो जाएगा पेरेंटल। रिकॉम्बिनेंट कैसा हो जाएगा, अगर ए बी पेरेंटल है तो ए स्मॉल बी रिकॉम्बिनेंट एंड स्मॉल ए कैपिटल भी रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा। तो इसमें देखिए रिकॉम्बिनेंट पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट पेरेंटल, यानी 50% रिकॉम्बिनेंट 50% पेरेंटल दैट इज टेट्रा टाइप। इसमें देखिए रिकॉम्बिनेंट 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 कैपिटल स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल कैपिटल स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी 100% रिकॉम्बिनेंट एनपीडी। इसके अलावा देखिए पेरेंटल 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 यानी ये पेरेंटल डाई टाइप, तो हमें पेरेंटल डाई टाइप को नहीं लेना है, पेरेंटल को नहीं लेना है। इसके बाद टेट्रा टाइप का आधा लेना है यानी 10 का 5 और एनपीडी का पूरा, तो ये वैल्यू रखोगे 15 सेंटीमॉर्गन आ जाएगा, यानी ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 15 सेंटीमॉर्गन। यू कैन कैलकुलेट इट, चाहे किसी भी तरीके के क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर को ढूंढो, उससे जीनोटाइप को ढूंढो, जीनोटाइप से रिकॉम्बिनेंट निकालो और कैलकुलेट करो कि कौन पीडीटी है कौन टीटी है कौन पीडी है, और इस तरीके से लेने के बाद फिर टीटी का आधा और एनपीडी का पूरा लेकर सॉल्व करो एंड यू विल गेट टू नो। चाहे कितने भी क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, अगर आपको एक सेंट्रोमियर से डिस्टेंस पूछे तो आप पहले एसडीएस एफडीएस पे जाइए, और अगर आपसे दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछे तो अनऑर्डर के लिए पीडी एनपीटी या टीटी निकालिए, और निकालने के बाद सॉल्व कर लीजिए, आपको सेंट्रोमियर से डिस्टेंस भी पता चल जाएगा और साथ में उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है वो पता चल जाएगा। यह है टेट्राड एनालिसिस का कॉन्सेप्ट। ये सारे एक दो एग्जांपल से प्रैक्टिस करके आप जो है हीरो बन सकते हैं। नाउ मूविंग द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करते हैं, तो अभी तक हम क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस की बात कर रहे थे, और क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि उसमें जो है क्वालिटी की बात हो रही थी, जीन के प्रेजेंस से कैरेक्टर को बात हो रही थी, वहां पे एक जीन को गवर्न कर एक कैरेक्टर को गवर्न करने वाला एक ही जीन था, लेकिन कभी कभी एक जीन को एक कैरेक्टर को गवर्न करने के लिए मोर देन वन जीन होते हैं। अगर मोर देन वन जीन है तो उसके लिए क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस मेंडेलियन इनहेरिटेंस होता है, जिसमें आप कभी भी दो ही एक्सट्रीम कैटेगरी की बात करते हैं, जैसे कि टॉल एंड ड्वार्फ, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट हाइट या इंटरमीडिएट कंडीशंस की बात नहीं हो रही थी। इसमें जो है कोई वेरिएशन डिग्री में होता है, या तो टॉल है या तो ड्वार्फ है, उसके बीच में कोई रेंज की बात नहीं हो रही होती। ये
बेसिक तौर पे अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो क्वालिटेटिव यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है दो ही डिस्टिंक्ट कैटेगरी है, जबकि क्वांटिटेटिव ट्रेट में आपको क्या मिलेगा, दो एक्सट्रीम कैटेगरीज और इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट मिलेंगे। जैसे टॉल तो है ही, डॉट तो है ही, उसके बीच में कई सारे हाइट्स के मिलेंगे और एक बेल शेप कर्व देखने को मिलता है, जैसे कि 6 और 4 फीट के बीच में 5 फीट वाले बहुत मिलने वाले हैं, उस तरीके का कंडीशन है। इस क्वालिटेटिव ट्रेट को आप डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन बोलते हैं, जबकि इन द केस ऑफ क्वांटिटेटिव इसको बोलते हैं कंटीन्यूअस वेरिएशन। जो आपके क्वालिटेटिव होते हैं यही मेंडेलियन होता है, और जो क्वांटिटेटिव होते हैं यही नॉन मेंडेलियन होता है। क्वालिटेटिव में वन जीन या बहुत ही एक या मैक्सिमम दो जीन इन्वॉल्व होते हैं कैरेक्टर के लिए, लेकिन क्वांटिटेटिव में मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व होते हैं कैरेक्टर के लिए। क्वालिटेटिव ट्रीट्स इसमें इन्वायरमेंटल इफेक्ट का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन द केस ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेट यहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर का इफेक्ट पड़ता है। इसको ज्यादातर क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस में आप किसी भी एलील को डोमिनेंट रिसेसिव कंडीशंस के तौर पे बुलाते हैं कि कोई एलील या तो डोमिनेंट है या तो रिसेसिव है। इन द केस ऑफ क्वांटिटेटिव यहाँ पे जो है एलील या तो कंट्रीब्यूटिंग हो सकता है या तो नॉन कंट्रीब्यूटिंग हो सकता है, मतलब या तो कंट्रीब्यूटिंग हो या तो नॉन कंट्रीब्यूटिंग हो, इस तरीके की कंडीशंस आपको देखने को मिलते हैं। तो याद रहे कि जब भी पॉलीजेनिक कंडीशंस की बात होती है तो यहाँ पे कभी भी एक कितना कंट्रीब्यूशन है, कौन सा एलील कितना कंट्रीब्यूटिंग है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि कभी भी किसी भी कैरेक्टर या किसी भी जीनोटाइप का कैरेक्टर पता करना हो तो बेसल लेवल की पहले तो उसमें हाइट कैरेक्टर या जोड़ दीजिए प्लस नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एलील इनटू द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिंगल एलील। फॉर एग्जाम्पल की एक प्लांट की हाइट 16 सेंटीमीटर है जिसका जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी है, इसमें देखे जाए तो दो कंट्रीब्यूटिंग एलील है कैपिटल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कंट्रीब्यूटिंग नहीं है। और अगर स्मॉल बी स्मॉल बी जिसमें जीरो कंट्रीब्यूटिंग है उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है, यानी जब जीरो कंट्रीब्यूटिंग है फिर भी कुछ बेसल हाइट है, इसी हाइट को बेसल हाइट बोलते हैं और ये आपको हमेशा एड ऑन होगा जब भी हाइट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे बेसल लेवल के लेवल पे। नाउ इसके बाद अगर आप देखें तो जब जीरो कंट्रीब्यूटिंग था तो 4 सेंटीमीटर था और दो कंट्रीब्यूटिंग है तो 16, यानी इसके बीच में दो एलील जो कंट्रीब्यूटिंग थे उसने कितना कंट्रीब्यूट किया, 16 में से 4 घटाएंगे तो 12, 16 - 4 दैट इज 12 सेंटीमीटर कंट्रीब्यूट किया दो एलील ने, तो एक एलील ने 6 सेंटीमीटर कंट्रीब्यूट किया होगा। तो कुछ इस तरीके से सबसे पहले आपको कंट्रीब्यूट करना होगा कि सिंगल एलील ने कितना किया, तो आप टोटल माइनस बेसल करेंगे 16 सेंटीमीटर - 4 / 2 यानी 6 सेंटीमीटर पर कंट्रीब्यूटिंग एलील, 1 सेंटीमीटर जो है वो कंट्रीब्यूट किया किसने, दैट इज एक एलील ने। अगर 6 सेंटीमीटर एक ने किया तो फिर अगर आपको किसी भी जीनोटाइप का निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। देखिए इसके में 3 कंट्रीब्यूटिंग एलील है तो 4 × 6 × 3 करेंगे 18 सेंटीमीटर प्लस बेसल लेवल जोड़ेंगे, क्योंकि बेसल लेवल तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा तो वो हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। इसमें 2 कंट्रीब्यूटिंग है तो इसमें 2 × 6 प्लस 4 बेसल लेवल जोड़ेंगे ये आ जाएगा। इसमें 4 कंट्रीब्यूटिंग है तो 4 × 6 प्लस 4 करेंगे, बेसल लेवल को ऐड करना ही करना है क्योंकि बेसल लेवल तो 0 कंट्रीब्यूटिंग पे थे, इसके बाद जितना बढ़ेगा वो उसके साथ मल्टीप्लाई ऐड ऑन होता चला जाएगा। इस तरीके से जैसे यहाँ पे 16 और 2 की कहानी है, अगर यहाँ पे देखिए कैपिटल ए स्मॉल स्मॉल भी था और यहाँ पे जो है आप कंट्रीब्यूटिंग एलील की बात करें तो 2 कंट्रीब्यूटिंग एलील थे, जब ये था तो हाइट 4 था, उसी बेसिस पे मैंने बताया कि किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो कई अलग अलग जीनोटाइप्स होते हैं और अलग अलग जीनोटाइप्स में आपको अलग अलग हाइट्स मिलते हैं और एक पूरा का पूरा जो है वो रेंज देखने को मिलता है, और इस कंडीशंस को आप बोलते हैं कि ये क्या है, ये है आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, कंटीन्यूअस वेरिएशन जो है वो अपीयर होता है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जहां पे कंट्रीब्यूशन जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कंट्रीब्यूशन एक सिंगल एलील का करना है, वो कर लिया तो आप जितने भी एलील देखेंगे, जितने भी कंट्रीब्यूटिंग एलील है उसको मल्टीप्लाई करिए, बेसल हाइट से ऐड करिए और पूरा जो है कैलकुलेट करते हुए आगे जा सकते हैं। अब याद रहे कि इसमें जो होता है कि कौन सा कैरेक्टर किस हिसाब से चलेगा वो आपको पास्कल ट्रायंगल का फिर से यूज यहाँ पे होता है, जो मैंने अभी बताया था कि कैसे आपको पास्कल ट्रायंगल का लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो आप देखते हैं 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 6 1 5 10 10 5 1, इस कंडीशंस में जो होता है अगर 3 जो है जीन्स इन्वॉल्व है तो उस कंडीशंस में 1 2 1 का केस बनेगा, यानी जो फिनोटाइप होंगे 1 2 1 जो पीक होगा यानी जो एवरेज वाला होगा उसके डबल होंगे दोनों एक्सट्रीम फिनोटाइप से। इसके अलावा एक्सट्रीम फिनोटाइप के अलावा ये 5 फिनोटाइप बनेंगे और 5 फिनोटाइप में सबसे बीच वाला 6 प्रोपोर्शन में होगा, उसके अलावा 4 1 4 होगा। इस तरीके के ग्राफ आपको देखने को मिलते हैं, यू कैन सी हियर, ये देखिए जब अगर आपके 3 फिनोटाइप है तो 1 2 1, अगर आपके पास 5 फिनोटाइप है तो 1 4 6 4 6 1 4 6 4 1, उसके बाद अगर आपके पास जो है 7 फिनोटाइप से तो 1 6 15 20 दिस वन। इसी तरीके से आप जितने जीन्स को बढ़ाते जाएंगे, एक जीन पेयर के लिए 3, 2 के लिए 5, 3 के लिए 7, तो इसके अलावा जो है फिर 9 हो जाएगा 4 के लिए, 5 के लिए जो है 11 हो जाएगा एंड सो ऑन। और ये रेशियो कहाँ से आ रहा है, ये रेशियो आ रहा है इसी पास्कल ट्रायंगल से, नीचे तलते चले जाएंगे 1:2:1 फॉर 3 फिनोटाइप 1 जीन के लिए, ये जो है वो 2 जीन के लिए है 5 फिनोटाइप, ये है 7 फिनोटाइप फॉर द 3 जीन के लिए, ये है जो है 9 फिनोटाइप 4 जीन के लिए।
तो जो फिनोटाइप होता है 2n+1 होता है। फिनोटाइप के लिए जब बात करते हो तो फॉर्मूला होता है 2n+1 वेयर n इज द नंबर ऑफ जीन, व्हेन इज n इज द नंबर ऑफ जीन। अगर एक जीन है तो आपके 3 फिनोटाइप, 2 जीन है तो 5, 3 है तो 7, 4 है तो 9, 5 है तो 11, इस तरीके से कंडीशन चलता हुआ चला जाएगा। तो इस तरीके के केस जो है वो आपके साथ बनेंगे और यही चीज जो है वो आपको अल्टीमेटली जो है ये रेशियो जो है अगर लार्जर लेवल पे आप देखेंगे तो ये एक बेल शेप्ड कर्व जो है नजर आता है, ये एक कॉन्टिन्यूअस बेल शेप्ड कर्व नजर आता है, यही है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का केस। तो याद रखिए कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन में फिनोटिपिक वेरिएशन देखने को मिलते हैं। अब कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन में फिनोटिपिक जो वेरिएंस होता है या फिनोटिपिक जो वेरिएशन होते हैं इसमें दो कंडीशंस होते हैं कि वो जीनोटिपिक भी हो सकते हैं और वो एनवायरमेंटल भी हो सकते हैं। अगर जीनोटिपिक है तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस या एडिटिव होते हैं और अगर एनवायरमेंटल है तो उसको बोलते हैं वीई। तो कहीं भी फिनोटिपिक वेरिएशन यानी पीपी जो होते हैं वो वीजी या वीई हो सकते हैं। अब वीजी है तो या तो वीडी हो डोमिनेंट हो या एपिस्टेटिक हो या एडिटिव हो या वीई हो एनवायरमेंटल। अगर वीजी की बात करें तो एडिटिव डोमिनेंस जो है एपिस्टेटिक जिसकी हम बात करते हैं एडिटिव वाला कंडीशन है। एंड वीपी की बात करें तो वीपी जो होता है वीजी प्लस वी यानी जेनेटिक और एनवायरमेंटल दोनों को ऐड किया जाता है। इस तरीके के फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं और जब चाहे तो आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसी में एक कंडीशन आता है जिसको बोलते हैं ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी और नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी। ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी का फॉर्मूला होता है वीजी बाई वीपी इंटू 100, वीजी बाई वीपी इंटू 100 होता है जहां पे जीनोटिपिक वेरिएंस डिवाइडेड बाई फिनोटिपिक वेरिएंस इंटू 100 जो है वो आप शो करते हैं एंड इसके बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिए अगर एच स्क्वायर कैपिटल एच स्क्वायर की वैल्यू 1 हो तो सारे के सारे जो वेरिएशन है वो जेनेटिक है, उसमें कोई एनवायरमेंटल वेरिएंस नहीं है। अगर इस एच स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो सारे के सारे जेनेटिक वेरिएशन मतलब सारा वीजी है और इसकी वैल्यू 0 है तो इसका मतलब सारा का सारा वेरिएंस जो है एनवायरमेंटल है, जो है जेनेटिक वेरिएंस नहीं है। इसी के साथ जो है आपके वेरिएंस जो है ब्रॉड सेंस के साथ साथ नैरो सेंस की भी आती है जिसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका वी ए बाई वी पी, वी ए बाई वी पी इंटू 100 होता है। ये जो होता है आपका दैट इज द नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी जो कि एडिटिव वेरिएंस की बात करता है। यहाँ पे जीनोटिपिक नहीं, यहाँ पे एडिटिव वेरिएंस है कि कितने जो है एडिटिव वेरिएंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इस तरीके से आपके फॉर्मूले आते हैं जिसमें एडिटिव वेरिएंस डोमिनेंस है इंटरेक्शन एनवायरमेंटल है ये सब दिया रहता है। उसके बेसिस पे जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि वीजी कितना होगा वीपी कितना होगा, उसके बेसिस पे ब्रॉड सेंस और नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी निकाल सकते हैं अगर आएगा तो सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ मूविंग एट द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अगर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की बात करने की कोशिश करें तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में मतलब क्या है कि साइटोप्लाज्म के पास जो जीनोम होते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मटेरियल होते हैं वो भी कभी कभी पेरेंटल से प्रोजेनी के पास जा सकते हैं। अब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो होते हैं वो कल अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ये यूनिपेरेंटल या बाईपेरेंटल हो सकता है कि एक पेरेंट से जा रहा हो या दोनों पेरेंट का साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व हो रहा। अगर वो यूनिपेरेंटल है तो वो फादर की तरफ से या मदर की तरफ से, अगर फादर की तरफ से है तो उसको पैटर्नल और मदर की तरफ से तो उसको मैटर्नल बोलेंगे। ये इनहेरिटेंस नॉन मेंडेलियन बोला जाता है और इसमें रेसिप्रोकल क्रॉस जो है सेम नहीं होता, जिसका एग्जांपल आप स्नेल्स और जो है ईस्ट में देखने की कोशिश करते हैं। तो याद रहे कि साइटोप्लाज्म के कंडीशंस को ऐसे शो किया जाता है। जब भी यूकैरियोटिक डीएनए की बात करते हैं तो उसमें न्यूक्लियस इनहेरिटेंस भी हो सकता है या साइटोप्लाज्मिक हो सकता है। न्यूक्लियस है तो प्लाज्मिड या क्रोमोसोम जो है इनहेरिटेंस शो कर सकते हैं जिसमें आप ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड अभी देख चुके हैं। साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि इसमें डबल स्ट्रैंड सर्कुलर होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब इसका इनहेरिटेंस या तो बाई पेरेंटल हो या यूनि हो। बाई का मतलब दोनों मेल और फीमेल यानी फादर और मदर के साइटोप्लाज्म हो जो कि रेयर और अनकॉमन फिनोमेना है। यूनि का मतलब या तो फादर का साइटोप्लाज्म या तो आपके मदर का साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व हो रहा है। अब जनरली इसमें मदर का साइटोप्लाज्म कॉमनली इन्वॉल्व होता है, फादर काफी कम होता है, इसीलिए मैटर्नल इफेक्ट आप इसको शो करते हैं जो कि मोर कॉमन होता है। ये एक नॉन मेंडेलियन ट्रेट होता है जिसका रेसिप्रोकल क्रॉस जो है वो सेम नहीं होता है। याद रखिए बडिंग ईस्ट में इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल होता है। बडिंग ईस्ट मतलब जो ईस्ट जो है बड कर रहा होता है, बहुत सारे ईस्ट छोटे छोटे सैक्रोमाइसिस बडिंग फॉर्म में बना रहे होते हैं तो उसके लिए उसके उसको उसकी जो कॉलोनीज होती है उसके कॉलोनी के ग्रोथ के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शनल होना बहुत जरूरी है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शनल होगा रिस्पिरेशन होगा तो जो कॉलोनीज होगी उनकी साइज बड़ी होगी, उसको बोलते हैं ग्रैंडे साइज। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी वजह से चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया की जीन की वजह से या न्यूक्लियर जीन की वजह से नॉन फंक्शनल हो जाए तो उस केसेस में रिस्पिरेशन नहीं होगा, एनर्जी जो है वो बेसिक तौर पे काफी नहीं मिलेगी तो कॉलोनी साइज जो है वो कम हो जाएगा छोटा हो जाएगा, इसको बोलते हैं पिटाइट। तो ग्रैंडे और पिटाइट का कॉन्सेप्ट आता है। बडिंग इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नॉन फंक्शनल है तो उस केसेस में रिस्पिरेशन नहीं होगा और पिटाइट बनेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शनल है तो उस केसेस में आपको ग्रैंडे कंडीशंस बनेगा। अब कभी किस तरीके से कौन सा कंडीशन है उसके लिए क्या किया जाता है, एक ग्रैंडे और एक पिटाइट को क्रॉस किया जाएगा। अगर ग्रैंडे और पिटाइट को क्रॉस करने के बाद ग्रैंडे मिला 100% तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे जो पिटाइट था इसमें वो न्यूट्रल था, मतलब उसका कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। अगर इसके बाद आपको 100% पिटाइट मिला इसका मतलब ये जो पिटाइट हुआ था वो सप्रेसिव था, माइटोकॉन्ड्रियल जीन में था, मतलब चाहे न्यूक्लियर जीन में कुछ हो ना हो वो हमेशा ही जो है पिटाइट होगा क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रियल जीन में था। अगर इसमें 50% ग्रैंडे 50% पिटाइट हो रहा है
तो इसमें जो पिटाइट अवेलेबल हुआ है वो सेग्रीगेशनल है, क्योंकि वहां पे 50-50 डिवाइड हुआ है, 50% सेग्रीगेशनल, यानी ऐसा इफेक्ट जो है न्यूक्लियर जीन की वजह से हो रहा है, इसमें डैमेज जो है वो न्यूक्लियर जीन में हुआ होगा। तो इस तरीके के कंडीशंस को शो किया जाता है जब आप पिटाइट और इन सबको क्रॉस करते हैं तो ये केसेस आ जाते हैं। इसके अलावा जो है स्नेल्स में भी इसी इफेक्ट को शो किया जाता है, मदर्स जीनोटाइप डिसाइड द प्रोजेनिस फिनोटाइप। इसमें डेस्ट्रल और सिनिस्ट्रल का कॉन्सेप्ट होता है, क्लॉक वाइज राइट हैंडेड डेस्ट्रल डी स्ट्रेन जो होते हैं कॉमन होते हैं, और जो लेफ्ट सिनिस्ट्रल होते हैं वो थोड़े रेयर होते हैं। जब डी स्ट्रेन और एम स्ट्रेन का क्रॉस किया जाता है तो वो जो मदर का जीनोटाइप होता है वो प्रोजेनी के फिनोटाइप को डिसाइड करता है, मदर का जीनोटाइप प्रोजेनी के फिनोटाइप को डिसाइड करता है, मदर का जीनोटाइप प्रोजेनी के फिनोटाइप को डिसाइड करता है। तो उस कंडीशंस के लिए जो होते हैं क्रॉस होते हैं, और आपको पता है कि जो एफ टू जनरेशन होता है एफ थ्री जनरेशन, उसमें जो रेशियो 3:1 आता है, मदर का जो जीनोटाइप होगा वही डिसाइड करेगा। अगर मदर का जीनोटाइप देखिए इस केसेस में, अगर फादर जो है कैपिटल डी है और अगर मदर जो है वो स्मॉल डी है, तो ऑब्वियसली बात है कि इस केसेस में अगर मदर के कंडीशंस की जब हम बात करते हैं तो मदर क्या है स्मॉल डी, और स्मॉल डी का मतलब सिनिस्ट्रल है, तो उसका जीनोटाइप डी एलील जब आएगा तो इवन दो इसके पास कैपिटल डी स्मॉल डी है, लेकिन क्योंकि स्मॉल डी एलील मदर से है, मदर सिनिस्ट्रल है, तो इसका जो फिनोटाइप सिनिस्ट्रल होगा, यानी मदर इस प्रोजेनी का फिनोटाइप मदर के जीनोटाइप से डिसाइड हो रहा था। इसी तरीके से फर्दर क्रॉस करेंगे तो जो फर्दर जो है फिनोटाइप होगा मदर के जीनोटाइप से डिसाइड होगा, एंड सो ऑन। ये क्रेस जो है वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को शो करता है। इसके बाद जो है पेडिग्री एनालिसिस में भी आती है चीजें। पेडिग्री एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो इनहेरिटेंस जो है कैसा हो सकता है, इनहेरिटेंस जो है क्रोमोजोमल हो सकता है या साइटोप्लाज्मिक। क्रोमोजोमल है तो ऑटोजोम से या एक्स लिंक सेक्स लिंक से, ऑटोजोम है तो डोमिनेंट या रिसेसिव, सेक्स लिंक से तो एक्स लिंक या वाई लिंक, एक्स से तो डोमिनेंट या रिसेसिव। अब साइटोप्लाज्मिक है तो माइटोकॉन्ड्रियल या क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस हो सकता है। एक जो है डिजीज कैरेक्टर होता है सेक्स लिमिटेड, जो कि स्पेसिफिकली सेक्स लिमिटेड होता है, यानी कि किसी एक ओनली सेक्स से ही लिमिटेड होता है, जैसे कि आप बियर्ड के फॉर्मेशन या मिल्क फॉर्मेशन की बात करते हैं, जिसमें कि जो एक्सप्रेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक सेक्स में होता है, जैसे बियर्ड फॉर्मेशन सिर्फ मेल में होता है और मिल्क फॉर्मेशन सिर्फ फीमेल में होता है। एक होता है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, इसके भी जीन दोनों में पाए जाते हैं मेल और फीमेल में, जैसे सेक्स लिमिटेड के जीन दोनों में होते हैं लेकिन एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक सेक्स में होता है सेक्स लिमिटेड में। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड के जीन भी दोनों में होते हैं लेकिन इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो एक में ज्यादा और एक में कम होगा। जीन दोनों में होंगे, एक्सप्रेशन भी दोनों में होगा, एक्सप्रेशन का जो वेरिएशन है वो ज्यादा और कम होगा। जैसे बाल्डनेस की बात करते हैं, गंजापन जो होता है वो मेल में ज्यादा होता है फीमेल में कम होता है, दोनों में जीन होने के बावजूद भी। और इसी तरीके से इनहेरिटेंस पैटर्न की बात करते हो तो सेक्स लिमिटेड जो है दोनों में होते हैं, सिर्फ एक में सेक्स लिमिटेड सिर्फ एक ही में होता है, जबकि सेक्स इन्फ्लुएंस जो है जीन दोनों में होते हैं लेकिन एक्सप्रेशन का जो लेवल होता है वो वेरी कर रहा होता है। पेडिग्री की बात करते हैं तो उसमें कई सारे सिंबल्स होते हैं, स्क्वायर को आप मेल करते हैं और सर्कल को फीमेल करते हैं, उनके बीच में सिंगल बार है तो नॉर्मल मेटिंग है, डबल हॉरिजॉन्टल है तो कंसंजिनस यानी रिलेटेड मेटिंग है, ट्विंस के लिए आप ऐसे शो कर सकते हैं, नंबर के लिए कुछ पेडिग्री ऐसे शो कर सकते हो, डिपेंडिंग कंडीशंस बहुत सारे होते हैं। याद रखें इनहेरिटेंस पैटर्न्स में ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव या सेक्स जो है डोमिनेंट रिसेसिव या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस सेक्स लिमिटेड, इस तरीके के कई सारे इनहेरिटेंस हो सकते हैं। इसके लिए मैंने कुछ कोड्स बताए थे, अगर उन कोड्स का ध्यान हो तो। अगर हम बात करते हैं अफेक्टेड पेरेंट हैविंग अनअफेक्टेड चाइल्ड, अगर अफेक्टेड पेरेंट के पास अनअफेक्टेड चाइल्ड हो तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं क्या, दैट इज डोमिनेंट आउट, और इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है या एक्स लिंक डोमिनेंट भी हो सकता है। एक्स लिंक डोमिनेंट की पुष्टि करने के लिए आप लगाएंगे MDXD या FDXD, यानी कि अगर FDXD लगा, यानी कि बेसिक तौर पे अगर मैं बोलूं एक्स लिंक डोमिनेंट होगा तो उसमें जो है फादर टू ऑल डॉटर, ऑडी तो लगेगा ही लगेगा, इसके अलावा सारे फादर, अगर फादर अफेक्टेड होगा तो सारे डॉटर के पास जाएगा, अगर फादर अफेक्टेड है तो सारे डॉटर के पास जाएगा, तो इस तरीके से ऑडी लगता है आपके ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक्सडी में, और एक्सडी की पुष्टि करने के लिए आप लगाएंगे FDXD, यानी कि उसमें लगेगा फादर टू ऑल डॉटर। इसी तरीके से उरी लगता है अनअफेक्टेड पेरेंट हैविंग एनी अफेक्टेड चाइल्ड, अगर किसी भी पर्टिकुलर अनअफेक्टेड पेरेंट के पास एटलीस्ट वन अफेक्टेड चाइल्ड हो तो उस कंडीशन के लिए आप उरी लगाते हैं। ये लगता है आपके एक्स लिंक्ड रिसेसिव में या ऑटोसोमल रिसेसिव में। अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव की पुष्टि के लिए आप लगाते हैं MSXR यानी मदर टू ऑल सन, यानी इसमें उरी तो लगेगा ही लगेगा, उसके अलावा जो है आपको MSXR यानी मदर अफेक्टेड होगी तो सारे सन अफेक्टेड होंगे, ये होगा एक्स लिंक रिसेसिव का, जो कि मैंने कई जगह पे बता चुका है। इसके अलावा वाई लिंक के लिए होगा फादर टू ऑल सन, वाई लिंक का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ ओनली मेल में ही होगा, फीमेल में कभी हो ही नहीं सकता, और सारे के सारे मेल अफेक्टेड होंगे उस पेडिग्री में, एंड मदर टू फादर टू ऑल सन कंडीशन डेवलप होगा FSYI। और उसके बाद होता है मैटरनल, मैटरनल का मतलब मदर टू ऑल फादर टू नॉन, जिसको बोला था MAFN, MAFN मतलब मदर टू ऑल फादर टू नॉन। इसके अलावा जो पैटर्नल फादर टू ऑल एंड मदर टू नॉन हो जाएगा तो FAMN हो जाएंगे। इस तरीके के जो है पैटर्न आपके पेडिग्री में यूज किए जा सकते हैं, आप इसका यूज करके पेडिग्री को सॉल्व कर सकते हैं।
ऐसे कंडीशंस जब आपके पास आएंगे तो यू कैन सॉल्व कि हाँ किस तरीके से जो है अनअफेक्टेड पेरेंट हैविंग अफेक्टेड चाइल्ड, तो यू कैन से दैट दिस इज लाइक ऑटोसोमल रिसेसिव। इसके अलावा जो है ये ऑटोसोमल रिसेसिव के अलावा एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी हो सकता है, तो दिस काइंड ऑफ कंडीशंस अपीयर हो सकते हैं। यहाँ पे देखें तो मदर टू ऑल, यहाँ पे देखें तो मदर टू ऑल, ये मदर अफेक्टेड तो सारे बच्चे अफेक्टेड है, और मदर टू ऑल लेकिन फादर टू नन, तो मदर टू ऑल फादर टू नन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो ये देखिए अनअफेक्टेड पेरिंग हैविंग अफेक्टेड चाइल्ड, तो ऑटोसोमल रिसेसिव तो होगा ही होगा, साथ में ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी हो सकता है अगर आप देखेंगे तो। इसी तरीके से जो है आपके पेडिग्री आप सॉल्व करिए, प्रोबेबिलिटी सॉल्व करिए एंड सॉल्व करके जो है रिवाइज कर सकते हैं। नाउ मूविंग अहेड, देयर इज अ माइक्रोबियल जेनेटिक्स, अगर मैं माइक्रोबियल जेनेटिक्स की बात करता हूं तो उसमें जीन का ट्रांसफर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल हो सकता है। वर्टिकल ट्रांसफर के लिए जो है बाइनरी फ्यूजन का यूज किया जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर जनरेशन में कोई भी बैक्टीरिया फ्यूजन करके जब टूटता है तो वहां पे जो है अपने जीन को ट्रांसफर करता है अपना अपकमिंग जनरेशन में। लेकिन इससे ज्यादा कॉमन होता है बैक्टीरिया में जो है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, जिसमें कि सेम जनरेशन में जीन का ट्रांसफर किया जाता है, यानी दो बैक्टीरिया सेम जनरेशन में है तो जीन का ट्रांसफर होगा विद द थ्री मैकेनिज्म ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसडक्शन कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे नेकेड डीएनए ट्रांसफर होता है, ट्रांसडक्शन में वायरस जो है डीएनए को ट्रांसफर करता है, और कॉन्जुगेशन में जो होता है पिलाई या कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है। तो जब एक जनरेशन से दूसरे में ट्रांसफर हो तो उसको बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसफर, और सेम जनरेशन में ट्रांसफर हो तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। तो जीन ट्रांसफर कैन बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल के लिए जो है आपके बाइनरी फ्यूजन थे, हॉरिजॉन्टल के लिए जो मैंने तीन मैकेनिज्म्स बताए ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। तो याद है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नेकेड डीएनए ट्रांसफर होता है, डीएनए सेंसिटिव होते हैं, इन द केस ऑफ ट्रांसडक्शन वायरस जो डीएनए को लेके जाता है कैप्ड लेके जाता है कवर्ड होता है जिसकी वजह से वो डीएनए जो है रेजिस्टेंट होता है। कॉन्जुगेशन में एक डोनर और एक रेसिपिएंट होते हैं, डोनर जो है डीएनए को ट्रांसफर करता है रेसिपिएंट के पास विद द कॉन्जुगेशन ट्यूब जो कि जो है पाइलस के थ्रू बनता है। इसमें डोनर से डीएनए जाता है विद द रोलर से रोलिंग सर्किल मैकेनिज्म। तो अगर कोई भी डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन से आता है ट्रांसफर में आता है या कॉन्जुगेशन से आता है, वो डीएनए जब भी आता है तो वो एक फॉरेन डीएनए होता है जिसकी वजह से होस्ट जो होता है उस डीएनए को तीन फेट में लेके जा सकता है, यानी या तो उसको डिग्रेड कर दे बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या क्रिस्पर कैस जो है आरएनए, एंड इसके अलावा या तो वो डीएनए जो फॉरेन डीएनए है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में मेरो डिप्लॉयड कंडीशन की तरह रह जाए, या तो उसका एक फेट या एक दिशा जो है निर्धारित होता है कि वो जो है वो होस्ट के क्रोमोजोम के साथ इंटीग्रेट हो जाए। अब इंटीग्रेट होगा तो दो कंडीशन डिपेंड करता है कि उस फॉरेन डीएनए की कोई सिमिलरिटी है तो होमोलॉगस डिपेंडेंट हो जाएगा, अगर सिमिलरिटी नहीं होगी तो होमोलॉजी इंडिपेंडेंट यानी कि रैंडम इंटीग्रेशन करेगा। इस तरीके के कंडीशन के बाद डिफरेंट काइंड ऑफ प्लाज्मिड TIRIFRN कॉम्पिटिशन के टाइम पे दूसरे बैक्टीरिया को इनहिबिट करने के लिए कोलेजन सिंथेसाइज करते हैं, आर प्लाज्मिड कई सारे बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन शो करने के लिए होता है, और एफ फर्टिलिटी प्लाज्मिड होता है जो कि फर्टिलिटी शो करता है यानी कि कॉन्जुगेशन के टाइम पे ट्रांसफर होता है। कई तरीके के हो सकते हैं, अगर ये इंडिपेंडेंटली फ्री इंडिपेंडेंट मीरो डिप्लॉयड कंडीशन में तो इसको एफ प्लस बोलते हैं, अगर ये इंटीग्रेटेड है तो HFR बोलेंगे, और इंटीग्रेटेड और फ्री फॉर्म में है तो उसको एफ प्राइम बोलेंगे, और अगर नहीं है तो उसको जो है एफ माइनस बोलेंगे। यानी कि इस एफ प्लाज्मिड का जो ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है, रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म से। यहाँ पे एक निक क्रिएट होता है, निक क्रिएट होने के बाद ये रोलिंग सर्कल से ट्रांसफर हो रहा होता है। अब ट्रांसफर के लिए ही यहीं पे कई सारे इंटरप्रेटेड मेटिक एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता किया जाता है कि रोक रोक के कितने मिनट पे कौन कौन सा जीन आता है। अब ट्रांसफर के लिए जो है यहाँ पे कुछ साइट्स को डिसाइड किया जाता है, यहाँ पे जो साइट्स होते हैं वो ओराई को शो करते हैं, और जो रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म में जो एरो होता है वो डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस को दिखाता है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका जीन का ऑर्डर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं वन की बात करूँ तो वन का एरो का डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन सिंथेसिस या जीन का जो ऑर्डर डिसाइड होगा इस तरीके से होगा, यानी उसके लिए बात होगा देखेंगे तो GFEDCBA होगा। अगर सेकंड की बात करें तो देखिए सिंथेसिस का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, ये डायरेक्शन सिंथेसिस का है, जबकि ऑर्डर का डायरेक्शन इधर हो जाएगा यानी CDEFGA ये तरीके से हो जाएगा। इसके अलावा जो है अगर थर्ड की बात करूं तो थर्ड का एरो देखिए इधर है, तो जीन का ऑर्डर DCBAGFE इस तरीके से जीन का ऑर्डर डिसाइड होता है। अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम बात करते हैं रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म में। इसके अलावा डोनर जो होते हैं अगर हम बात करते हैं एफ प्राइम, अगर अपना डीएनए एफ माइनस को दे रहा है तो एफ माइनस कन्वर्ट हो जाएगा एफ प्लस में, अगर एफ प्राइम अपना डीएनए जो है एफ माइनस को दे रहा है तो एफ माइनस कन्वर्ट हो जाएगा एफ प्राइम में, लेकिन अगर HFR जो है अपना डीएनए एफ माइनस को दे रहा है तो यहाँ पे एफ माइनस स्टिल एफ माइनस ही रहता है, वो एफ प्लस में या HFR में कन्वर्ट नहीं होता है। इसके अलावा जो है देयर कॉन्सेप्ट ऑफ द को ट्रांसफॉर्मेशन या को ट्रांसडक्शन, और उसमें आता है ऑक्सोट्रॉफ और प्रोटोट्रॉफ। जैसा कि मैंने अभी बताया था ऑक्सोट्रॉफ ऐसे होते हैं जिसमें किसी चीज की कमी होती है, और प्रोटोट्रॉफ जो है कंप्लीट होते हैं। अगर जिसमें कमी है जो ऑक्सोट्रॉफ्स होते हैं उसको ग्रो करने के लिए जिस चीज की कमी है वो चीज या तो उसके पास जीन में प्रेजेंट हो या तो उसको आपको मीडिया में देना पड़ेगा। तो यही कंडीशन है कि अगर मैं यहाँ पे देखिए अगर सेरीन भी प्रेजेंट है, हिस्टरीन भी प्रेजेंट है, ट्रिप्टोफैन फिनाइलएलनिन है, तो ये मिनिमल मीडिया पे भी ग्रो करेगा और सप्लीमेंट्री मीडिया पे भी ग्रो करेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे सेरीन और
हिस्टिडीन प्रेजेंट है लेकिन ट्रिप्टोफैन नहीं है, तो ये जो है मिनिमल मीडिया पे ग्रो नहीं करेगा। सप्लीमेंट्री पे तभी करेगा जब आप इसको ट्रिप्टोफैन देंगे, सेरीन देंगे तो भी ग्रो कर सकता है लेकिन सेरीन देंगे तो ग्रो नहीं करेगा। तो क्या चाहिए? ट्रिप्टोफैन चाहिए, या तो कोई जीन जिसकी रिक्वायरमेंट है, या तो वो जीन उसके क्रोमोजोम में प्रेजेंट हो, या तो वो जीन आप मीडिया में दे, यानी जीन कहीं ना कहीं प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अगर मैंने आर्जिनिन हिस्टिडीन की बात करी थी मिनिमल मीडिया के तौर पे, और सिस्टीन मैंने इसमें देखिए आर्जिनिन हिस्टिडीन दिया है लेकिन सिस्टीन जो है वो नहीं दिया, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा? जिसमें जिसमें सिस्टीन होगा वो ग्रो करेंगे, जिसमें सिस्टीन नहीं होगा वो ग्रो नहीं करेंगे। तो इस तरीके के कंडीशन आ सकते हैं, और किसमें ग्रो होना चाहिए किसमें नहीं आप देख सकते हैं। को ट्रांसफॉर्मेशन क्या? को ट्रांसडक्शन में आप को ट्रांसफॉर्मेशन इफिशियंसी को कैलकुलेट करते हैं। जनरली ये नंबर दिया जाता है, वो नंबर दिया जाता है ए प्लस बी, इस तरीके से कि कहां कहां पे को ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। इस केस में देखेंगे तो सिर्फ बी प्लस है, जबकि यहां पे ए और बी जो है को ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। इसमें देखिए बी और सी हुए हैं, इसमें ए बी बी सी इस तरीके का को ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? उनकी इफिशियंसी करेंगे, ए बी का, बी सी का, ए बी और बी सी का, या ए बी सी का, इन सभी का कैलकुलेट करेंगे। जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आप देखेंगे ए बी का ट्रांसफॉर्मेशन 50%, ए सी 20 और बी सी 30%। जिसकी को ट्रांसफॉर्मेशन इफिशियंसी जितनी ज्यादा होगी वो डिस्टेंस उनका उतना ही कम होगा, क्योंकि को ट्रांसफॉर्मेशन इफिशियंसी डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस को ट्रांसफॉर्मेशन इफिशियंसी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, 50, 30, 20 कर लो, और उसी के बेसिस पे जीन लिख दो, ए फिर उसके बाद सी फिर उसके बाद भी कुछ इस तरीके से आप लिखोगे, देन यू कैन कैलकुलेट इट। सिमिलरली ऐसे नंबर दिए रहेंगे, वहां पे आप को ट्रांसफॉर्मेशन इफिशियंसी निकालो, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, 61, 39 एंड 21। अब निकाला 61 पे, सबसे पहले देखो ए ए के साथ जो है वो सी कनेक्टेड है, यानी ए ए के साथ सी कनेक्टेड है, और फिर 39 पे क्या आ रहा है? वो आ रहा है बी, तो ए के बाद बी हो जाएगा और बी और सी दूर है, तो कुछ इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। या तो कभी कभी जो है इंटरप्टेड मेटिंग एक्सपेरिमेंट का यूज किया जाता है, जो ये कॉन्जुगेशन हो रहा था, कॉन्जुगेशन एक प्रोसेस होता है जिससे कि डीएनए को डोनर से एक्सेप्टर में ट्रांसफर किया जाता है, हर मिनट पे या कुछ कुछ मिनट पे इसे रोक रोक के देखा जाता है कि कौन कौन जीन कब कब आ रहा है, तो वो एक जीन का ऑर्डर आ जाता है, HFR1, HFR2, ऐसे कर करके कई अलग अलग ओरिजिन से ये HFR निकलते हैं और उससे ऑर्डर को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। साथ में ऑर्डर ही नहीं, जीन के बीच का डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मिनट्स। जैसे जी और एफ के बीच का डिस्टेंस आप निकालेंगे तो 30-25 कर देंगे, 5 मिनट्स आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं, और कभी कभी जो है HFR से आप ऑर्डर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन किससे मैच होगा। जैसे यहाँ पे देखें तो इन द केस ऑफ दिस वन, HFR1 का जीन है ACBDEF, जो HFR1 के केसेस में जब हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ से इस पर्टिकुलर केसेस में कहीं पे मैच नहीं होगा। इस यहाँ पे देखिए एरो इधर की तरफ है सिंथेसिस का, तो जीन का ऑर्डर इधर होगा, ACBDEF होगा, यानी ये HFR1 इससे मैच हो रहा है यहाँ से। और HFR2 की बात करें तो देखिए ये है DEF से, तो ये देखिए इधर एरो है सिंथेसिस का, तो DEF ACB, यानी ये जो है पूरा का पूरा मैच हो रहा है। इस तरीके से कंडीशंस को देख सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोबियल जेनेटिक्स में आपके ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें कि आपको इंटरप्टेड मेटिंग में जो ये टाइमिंग होते हैं वो कुछ ऐसे दिए रहते हैं। इसको क्या करिए आप, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। अरेंज करने के बाद जैसे 5, 10, 30 यहाँ दिया हुआ है, इसमें 12, 20, 40 दिया है, इसमें कुछ 5 पे फिर 10 पे फिर 12 वाला रखिए, फिर 20 फिर 30 फिर 40 करके जीन्स को अरेंज करिए, वही जीन का ऑर्डर हो जाएगा। इस तरीके से आप चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं जिसमें जीन का डिस्टेंस और ऑर्डर आप पता कर सकते हैं। सर्कल में लिखिए, HFR को मैच करिए, कहीं कन्फ्यूजन है तो जीन का डिस्टेंस चेक करके पता कर लीजिए कि कौन सा ऑर्डर होगा। इसके अलावा जब हम क्रोमोजोमल वेरिएशन के ऊपर बात करते हैं तो क्रोमोजोमल वेरिएशन में आपके पास क्या देखने को मिलते हैं? वेरिएशन स्ट्रक्चर में हो सकता है या तो वेरिएशन नंबर में हो सकता है। अगर वेरिएशन स्ट्रक्चर में है तो वहां पे रीअरेंजमेंट, इन्वर्जन या ट्रांसलोकेशन हो सकते हैं। अगर रीअरेंजमेंट है तो डुप्लीकेशन या डिलीशन, मतलब जीन का डुप्लीकेशन हो सकता है या जीन का डिलीशन हो सकता है। डुप्लीकेशन होगा तो या तो टैंडम में होगा, एक टू एक चलेगा सेम डायरेक्शन में, या तो रिवर्स टैंडम होगा उल्टा चलेगा, या तो डिफरेंट आर्म पे होंगे, इस आर्म से दूसरे आर्म पे जो है रिपीट हो जाएगा। डिलीशन में क्या हो जाएगा, या तो क्रोमोजोम का एंड डिलीट हो रहा हो या तो बीच में डिलीट हो रहा हो, इंटरस्टीशियल हो सकता है। इन्वर्जन का मतलब जो जीन है वो फ्लिप हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे पैरासेंट्रिक या पेरिसेंट्रिक, पैरासेंट्रिक का मतलब सेंट्रोमेयर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, पेरिसेंट्रिक का मतलब सेंट्रोमेयर का इन्वॉल्वमेंट होगा। ट्रांसलोकेशन का मतलब होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में जो एक्सचेंज होता है उसे रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, लेकिन अगर नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में जो एक्सचेंज हो उसी को बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। अब ये नॉर्मल भी हो सकता है, मतलब सिर्फ वन वे हो, एक क्रोमोजोम से दूसरे पे सिर्फ एक तरफ से जा रहा हो, या ये रेसिप्रोकल हो सकता है जिसको टू वे बोलते हैं, मतलब एक्सचेंज करेंगे नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में, एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल जो हो जाएगा वही रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहलाएगा। यह है वेरिएशन इन स्ट्रक्चर। इसके अलावा जो होता है वेरिएशन इन नंबर, यहाँ पे स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हो रहा, क्रोमोजोम के नंबर में होगा। अब नंबर हो रहा है तो ये प्लॉइडी चेंज हो, या तो आपका सिर्फ एक क्रोमोजोम, मतलब जितने भी क्रोमोजोम से जितने भी सेट्स हैं
सभी क्रोमोजोम के सभी सेट्स चेंज हो रहे हैं, या तो एन टू एन थ्री एन मतलब प्लॉइडी ही चेंज हो रही है, एक कॉपी हो, एक सेट हो, या दो सेट हो, या तीन हो, जो मैंने शुरू में डिस्कस किया था, एन हो तो हैप्लॉइड, टू है ना तो डिप्लॉइड, थ्री एन डिप्लॉइड, फोर है तो टेट्राप्लॉइड, ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसको बोलते हैं प्लॉइडी चेंज हो रही है। और इसके अलावा जो होता है एन्यूप्लाइडी, यानी कि इस एन्यूप्लाइडी कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ एक क्रोमोजोम, सारे के सारे क्रोमोजोम के सेट्स नहीं चेंज हो रहे, किसी एक क्रोमोजोम का सेट हो रहा है, वो 22वां हो सकता है, 18वां हो सकता है, 13वां हो सकता है, इसी के बेसिस पे कई सारे सिंड्रोम्स आते हैं, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, मोनोसोमी, नलिसोमी, ऐसे कंडीशन, अगर एक बढ़ा तो ट्राई हो गया, दो बढ़ा तो टेट्रा हो गया, एक कम हुआ तो मोनो, दो कम हुआ तो नलिसोमी, जैसे कंडीशन जो है डेवलप होते हैं। तो डुप्लीकेशन का मतलब कोई जीन डुप्लीकेट हो जाए, और डिलीशन का मतलब कोई जीन डिलीट हो जाए, इन्वर्जन का मतलब फ्लिप हो जाए, ट्रांसलोकेशन का मतलब नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम में एक्सचेंज हो जाए। याद रखें डिलीशन टर्मिनल या इंटर कैलरी या इंटरस्टीशियल हो सकता है, टर्मिनल का मतलब कोई एंड पे डिलीट हो रहा है, और इंटर कैलरी का मतलब बीच में से जो सेगमेंट को डिलीट किया जा रहा है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो एक्सचेंज भी हो सकते हैं, आपके एक्सचेंज जो है नॉर्मल एक्सचेंज होता है तो होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में होगा, और एक्सचेंज या इस अलाइनमेंट के दौरान ड्यूरिंग द कह सकते हैं क्रॉसिंग ओवर, अगर क्रोमोजोम मिस अलाइन हो जाए, नॉर्मल अलाइंड होगा तो एक्सचेंज इक्वल होगा, और अगर वो मिस अलाइंड हो जाए तो इसमें जो एक्सचेंज होता है अनइक्वल होता है, और इसी अनइक्वल की वजह से डुप्लीकेशन और डिलीशन देखने को मिलता है, जो कि आप इसी केस को देखते हैं बार बॉडी फॉर्मेशन में, जिसमें 16 ए क्रोमोजोम का जो है डुप्लीकेशन हो जाता है। तो 16 ए जो होते हैं वहीं पे डुप्लीकेशन होता है, 16 ए, जिसकी वजह से क्या होता है कि ओमेटीडिया का नंबर कम हो जाता है और बार आई का फॉर्मेशन जो है होता है। इसके अलावा डुप्लीकेशन जो होते हैं, डुप्लीकेशन होमोलोगस या नॉन होमोलोगस दोनों हो सकते हैं, और डुप्लीकेशन में सेम आर्म या डिफरेंट आर्म पे हो सकता है, सेम डायरेक्शन में तो टैंडम, रिवर्स डायरेक्शन पे तो रिवर्स टैंडम, डिफरेंट आर्म पे हो सकता है, या तो डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन भी हो सकते हैं, लाइक दिस वन। ये देखिए नॉर्मल क्रोमोजोम से नॉर्मल क्रोमोजोम में अगर सेम ही आर्म पे हो रहा है बीसीडी बीसीडी, तो इसको बोलते हैं टैंडम। अगर ये जो है बीसीडी इस डायरेक्शन में था, बीसीडी इस डायरेक्शन में, सेम आर्म पे लेकिन अलग अलग डायरेक्शन, रिवर्स टैंडम। यहाँ पे डुप्लीकेशन बीसीडी का उस आर्म पे नहीं, दूसरे आर्म पे हो जा रहा है, इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन ऑन डिफरेंट आर्म, या तो ये डुप्लीकेशन किसी दूसरे क्रोमोजोम में हो जाए तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेस्ड जो है वो डुप्लीकेशन बोला जाता है। ड्रोसोफिला के आई में जैसे बताया था कि मैंने आई साइज जो होता है वो बेसिक तौर पे ओमेटीडिया के नंबर पे डिपेंड करता है, और जितना ओमेटीडिया का नंबर ज्यादा होगा उतना ही आई साइज बिगर होगा, लेंस का फॉर्मेशन होगा। वाइल्ड टाइप फिनोटाइप में इक्वल क्रॉसिंग ओवर होता है, लेकिन बार आई में क्या होता है, अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर होता है 16 ए क्रोमोजोम में। और अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर क्यों होता है, क्योंकि जो अलाइनमेंट होता है वो प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होता है, वो अलाइनमेंट जो है मिस अलाइन हो जाता है, जिसकी वजह से अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से 16 ए हो जाता है। एक अगर डबल है तो बार, अगर 16 ए का 3 हो जाएगा तो डबल बार जो है बोला जाता है, जिसकी वजह से ओमेटीडिया का नंबर कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द मिस अलाइनमेंट, और इसकी वजह से जो है बार आई का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा जो है मैंने बताया था आपके पास देयर इज लाइक नॉर्मल और इन्वर्जन क्रोमोजोम, आपके पास जो है इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें कि बी सी डी 180 डिग्री फ्लिप होकर डीसीबी हो गया। अब ये नॉर्मल और इन्वर्जन क्रोमोजोम अगर एक जगह पे, तो इसी को बोलते हैं हेटरोजाइगट। अगर नॉर्मल नॉर्मल है तो होमोजाइगट, इन्वर्जन इन्वर्जन है तो भी होमोजाइगट, लेकिन नॉर्मल इन्वर्जन है तो उसको बोलते हैं हेटरोजाइगट। अगर नॉर्मल नॉर्मल है तो आपके होमोजाइगट, इन्वर्जन इन्वर्जन है तो भी होमोजाइगट। नॉर्मल नॉर्मल के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, इन्वर्जन इन्वर्जन के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अलाइनमेंट प्रॉपर होती है। दिक्कत तब होती है जब नॉर्मल और इन्वर्जन हो, क्योंकि इसमें जीन का अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होता है, बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ मिस अलाइनमेंट, एंड मिस अलाइनमेंट होगा तो यहाँ पे एक इन्वर्जन लूप बनता है, और लूप बनने की वजह से क्रॉसिंग ओवर का सप्रेशन होता है, सप्रेशन होने की वजह से यहाँ पे पेरिसेंट्रिक और पैरासेंट्रिक इन्वर्जन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हेटरोजाइगट कंडीशन होगा तभी आपको प्रॉब्लम होगा। अगर होमोजाइगट कंडीशन है, जैसे नॉर्मल नॉर्मल या इन्वर्जन इन्वर्जन, होमोजाइगट में अगर कोई भी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम नहीं होगा, अलाइनमेंट प्रॉपर होगा, सारे के सारे गैमेट्स कैसे होंगे, बायबल होंगे, कोई डिलीशन डुप्लीकेशन नहीं होगा। लेकिन जैसा ही हेटरोजाइगट आएगा, मतलब एक नॉर्मल और एक इन्वर्जन, इस केसेस में अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, लूप का फॉर्मेशन, और लूप के फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे डिलीशन और डुप्लीकेशन होता है। डुप्लीकेशन की वजह से चार जो गैमेट्स बनते हैं उसमें से एक नॉर्मल वाला वायबल होगा, एक इन्वर्जन वाला वायबल होगा, लेकिन दो डिलीशन और डुप्लीकेशन वाले नॉन वायबल होंगे। ये कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर सेंट्रोमियर जो ये इन्वर्जन सेगमेंट है, अगर उसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है तो उसको बोलते हैं पैरासेंट्रिक, अगर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हो जाएगा तो उसको बोलेंगे पेरिसेंट्रिक। तो जैसे यहाँ पे देखें तो इस इन्वर्जन सेगमेंट में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसे कैसे उसको बोलेंगे ये पैरासेंट्रिक है। इस तरीके से इन्वर्जन लूप बनता है, और फिर उसके बाद चार गैमेट्स बनेंगे जिसमें से दो वायबल दो नॉन वायबल का कंडीशन आप शो करते हैं, जबकि पैरासेंट्रिक जो है इस तरीके से लूप बनेंगे और कंडीशंस आपके साथ आ जाते हैं। कुछ कंडीशंस पेरिसेंट्रिक होते हैं, पेरिसेंट्रिक में क्या होगा, सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट होगा, चार गैमेट्स में से एक नॉर्मल वायबल होगा, दो डिलीशन डुप्लीकेशन वाले नॉन वायबल होंगे, और एक इन्वर्जन जो है वो वायबल होगा। याद रखें पेरिसेंट्रिक में जितने भी क्रोमोजोम्स बनेंगे, सभी के सभी जितने भी गैमेट्स बनेंगे सभी में एक ही क्रोमोजोम होता है, मोनोसेंट्रिक होता है। लेकिन जो पैरासेंट्रिक होते हैं इस केसेस में, जो डिलीजन डुप्लीकेशन वाले होते हैं, उसमें से एक एसेंट्रिक होता है और एक डाइसेंट्रिक होता है, मतलब एक के पास कोई सेंट्रोमियर नहीं होता, दूसरे के पास दो सेंट्रोमियर आ जाते हैं,
और जो नॉर्मल इन्वर्जन है उसके पास एक एक सेंट्रोमियर होता है। इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ट्रांसलोकेशन का। ट्रांसलोकेशन का मतलब है नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में किसी भी क्रोमोजोमल सेगमेंट का ट्रांसलोकेशन। अगर वो वन वे हो रहा है, मतलब सिर्फ एक तरफ हो रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। अगर टू वे हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है दोनों के बीच में, तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। इक्वल एक्सचेंज हो या अनइक्वल एक्सचेंज हो सकता है। तो जब भी इस तरीके के क्रोमोजोम्स होते हैं, अगर वो टू नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में जो है नॉन रेसिप्रोकल भी हो सकता है। जैसे इधर से देखेंगे तो आपके पास जो है ये सीडी उठ के इधर आ गया, तो ये हो जाएगा नॉन रेसिप्रोकल। लेकिन अगर दोनों के बीच में इक्वल हो तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। अब इसके बेसिस में जब भी आपके ट्रांसलोकेशन क्रोमोजोम्स होते हैं, तो जो नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम्स होते हैं वो आपस में कुछ जो है जब एक्सचेंज करने के बाद इसमें थोड़ी सी सिमिलरिटी होती है, और बिकॉज ऑफ दिस ये जो है एक इस तरीके की पेयरिंग करते हैं, नॉन होमोलोगस पेयरिंग। और पेयरिंग में जो है कुछ इस तरीके का शेप आता है, जिसमें से कि चार कॉम्बिनेशन होते हैं। एक नॉर्मल इधर रहेगा, एक जो है ट्रांसलोकेटेड इधर रहेगा, एक जो नॉर्मल नॉर्मल ट्रांसलोकेटेड नॉर्मल ट्रांसलोकेटेड, ये नॉर्मल टू, और ये ट्रांसलोकेटेड टी वन, ये ट्रांसलोकेटेड टी टू। इस तरीके से जो है आपके अल्टरनेट और हॉरिजॉन्टल सेग्रीगेशन होते हैं। तो यहाँ पे तीन सेग्रीगेशन होते हैं, एक सेग्रीगेशन होता है अल्टरनेट और दो होते हैं एडजेसेंट। एक अल्टरनेट, दो होते हैं एडजेसेंट। अल्टरनेट का मतलब ये जो पहला वाला चौथे के साथ, दूसरा वाला तीसरे के साथ, जब अल्टरनेट सेग्रीगेशन होता है तो वो गैमेट्स वायबल होंगे, और जितने भी एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब ऊपर वाले दोनों एडजेसेंट या नीचे वाले दोनों, या इधर दोनों या इधर दोनों एडजेसेंट, चाहे आप 1-2 करिए, 3-4 करिए या 1-3-2-4 करिए, एडजेसेंट वाले में डिलीशन डुप्लीकेशन होगा और वो वायबल नहीं होंगे। तो याद रहे तीन तरीके का सेग्रीगेशन होता है यहाँ पे, एडजेसेंट यानी कि ऊपर नीचे या तो दाएं बाएं, ये दोनों एडजेसेंट वाले नॉन वायबल होंगे। सिर्फ अल्टरनेट होगा जो इधर से इनका दोनों से सेग्रीगेशन, और ये वाले, यही दोनों जो है वायबल होने वाले हैं। तो इस तरीके से कंडीशन जो है आपका डेवलप होता है ट्रांसलोकेशन के केसेस में, जो मैंने बताया। इसके अलावा जो है एन्यूप्लॉयडी का कंडीशन आता है, जैसे कि 2n-1 मोनोसोमी, 2n डाइसोमी, 2n+1 ट्राइसोमी, 2n+2 टेट्रासोमी, पेंटा एंड सो ऑन, यूप्लॉयडी के कंडीशन डेवलप हो रहे थे। और जो ट्राइसोमी के कई सारे एग्जाम्पल्स जो है वो हो जाते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं ट्राइसोमी जो है 21वें क्रोमोजोम का हो, तो उसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। 13वें क्रोमोजोम का पटाऊ, 18वें का होता है एडवर्ड। अगर सिर्फ मोनोसोमी हो गया तो टर्नर सिंड्रोम, अगर ट्राइसोमी एक्स क्रोमोजोम का हो गया तो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। तो इस तरीके के सिंड्रोम जो है वो आपको देखने की कोशिश करते हैं, ये कंडीशंस आपके साथ आ जाता है। इसके अलावा पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बात करें, तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स में क्या होता है, होमोजाइगस ए बोलते हैं इसको, कैरियर बोलते हैं हेटरोजाइगस को, और ये होमोजाइगस स्मॉल ए होते हैं। इन्हीं की फ्रीक्वेंसी को हमें कैलकुलेट करना होता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स में। कैलकुलेशन करने के लिए क्या होते हैं कि आपके पास एलिलिक और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी होते हैं। अगर हमने देखा तो होमोजाइगस डोमिनेंट हेटरो और होमोजाइगस रिसेसिव, इसका जो नंबर होता है अगर हम क्रॉस की बात करें तो 1:2:1 होता है, प्रोबेबिलिटी 1/4, 1/2, 1/4 होते हैं। और यहाँ पे जब मैं एलिलिक फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो कैपिटल ए की एलिलिक फ्रीक्वेंसी पी होती है, स्मॉल ए की एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्यू होती है। तो कैपिटल ए की पी स्क्वायर हो जाएगी, कैपिटल ए स्मॉल ए की 2PQ हो जाएगी, और स्मॉल ए की क्यू स्क्वायर हो जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं सम ऑफ द एलिलिक फ्रीक्वेंसी यानी पी प्लस क्यू भी हमेशा 1 होता है, और सम ऑफ द जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ भी हमेशा 1 ही होता है। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। कभी कभी आपके नंबर पूछे जाते हैं तो नंबर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मुला कैलकुलेट करने के लिए मैंने दो बताया था, एक बताया था आपका स्क्वायर रूट रूल और एक बताया था हाफ रूल। स्क्वायर रूट रूल की जब हम बात करते हैं तो उसको तभी अप्लाई करेंगे जब सिर्फ होमोजाइगस दिया रहे, या तो होमोजाइगस डोमिनेंट दिया रहेगा या तो रिसेसिव दिया रहेगा। अगर डोमिनेंट दिया है तो आपको पी स्क्वायर दिया रहेगा, दैट इज नंबर अपॉन टोटल, उसको अंडर रूट ले लीजिए, पी आ जाएगा तो क्यू आ जाएगा। अगर आपको रिसेसिव दिया है तो उसका क्यू स्क्वायर दिया रहे, नंबर अपॉन टोटल करके अंडर रूट ले लीजिए, क्यू आ गया तो पी आ जाएगा। इसके बाद हाफ रूल की बात करते हैं, तो हाफ रूल तब अप्लाई करेंगे जब आपके पास होमोजाइगस और हेटरोजाइगस गिवन हो। इस कंडीशंस में आप होमोजाइगस के लिए पी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, होमोजाइगस का पूरा नंबर एंड हाफ ऑफ द हेटरोजाइगस डिवाइड बाय टोटल। अगर आप होमोजाइगस रिसेसिव दिया है और हेटरोजाइगस दिया है तो उस केसेस में क्यू निकालिए, नंबर ऑफ हेटरोजाइगस प्लस हाफ ऑफ द नंबर ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव प्लस हाफ ऑफ द हेटरोजाइगस डिवाइड बाय टोटल, क्यू आ जाएगा तो पी वगैरह तो निकाल ही सकते हैं। याद रहे कि अगर सिर्फ होमोजाइगस दिया है तो आप पी स्क्वायर या तो क्यू स्क्वायर दिया रहेगा, उस वहां पे आपको स्क्वायर रूट रूल लगाना है, और अगर आपको होमो हेटरो दिया है तो वहां पे पी या क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द हाफ रूल जो कि मैंने बताया था। अब नंबर दे सकता है या तो फ्रीक्वेंसी दे सकता है, याद रखिए जब फ्रीक्वेंसी दे तो उसमें टोटल वैल्यू फ्रीक्वेंसी की 1 हो जाती है, इससे नीचे कोई टोटल वैल्यू रखते नहीं है। इसके अलावा एक ट्रिक मैंने बताया था कि अगर होमोजाइगस का नंबर और हेटरोजाइगस का, होमोजाइगस रिसेसिव का नंबर बराबर हो तो पी और क्यू बराबर होंगे 0.5 के, अगर होमोजाइगस डोमिनेंट का नंबर ज्यादा हो तो पी की वैल्यू 0.5 से ज्यादा होगी, क्यू की वैल्यू 0.5 से कम होगी। अगर होमोजाइगस डोमिनेंट का नंबर कम है होमोजाइगस रिसेसिव से तो पी की वैल्यू 0.5 से कम होगी और क्यू की वैल्यू 0.5 से ज्यादा होगी। और याद रहे कि स्क्वायर रूट रूल तब लगाएंगे जब सिर्फ होमो दिया रहे, हाफ रूल तब लगाएंगे जब आपके पास होमो प्लस हेट्रो
दिया रहे। इसके अलावा हार्डी विनबर ने कुछ अजम्पशंस लिए थे कि एलिक फ्रीक्वेंसी कब चेंज होगा, कब नहीं चेंज होगा। उन्होंने बताया था कि चेंज कब नहीं होगा, उन्होंने नॉट चेंज के ऊपर बात करी थी, जब जब डिप्लॉयड और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हो, पॉपुलेशन का साइज लार्ज हो, रैंडम मेटिंग हो, कोई नेचुरल सिलेक्शन ना हो, कोई म्यूटेशन ना हो, कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, कोई नेचुरल सिलेक्शन ना हो, कोई भी माइग्रेशन ना हो। ये अजम्पशंस लिए थे हार्डी विनबर ने कि कब जो है एलिक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। एक बार फिर से ध्यान दे दे कि लार्ज पॉपुलेशन, रैंडम मेटिंग, नो नेचुरल सिलेक्शन, नो म्यूटेशन, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, नो सेक्सुअल सिलेक्शन एंड नो माइग्रेशन। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि जीन और एलील फ्रीक्वेंसी कब चेंज होगा, तो इन्होंने ये तब बताया था जब हैप्लॉयड हो, एसेक्सुअल हो, स्मॉल पॉपुलेशन हो, नॉन रैंडम मेटिंग हो, नेचुरल सिलेक्शन हो, म्यूटेशन हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो, सेक्सुअल सिलेक्शन हो और माइग्रेशन हो, तो ये कंडीशंस जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ अल्टरनेटिव्स होते हैं, जैसे कि मल्टीपल एलील और एक्सटिंक्ट एलील के केसेस में, मल्टीपल एलील में तीन एलील्स आ जाएगा, तो यहाँ पे जो है आपको पी क्यू आर का केस बनेगा, यहाँ पे जो है पी प्लस क्यू प्लस आर स्क्वायर कर दीजिए, उस बेसिस पे जेनेटोमिक फ्रिक्वेंसी आ जाएंगी और उस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इन द केस ऑफ जो है एक्स रिंग में यहाँ पे मेल जो होते हैं वो एलिलिक फ्रिक्वेंसी शो करेंगे और फीमेल जो होते हैं वो आपके जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी शो करते हैं, तो मेल आपके एलिलिक फ्रिक्वेंसी और फीमेल जो है वो जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी शो करेंगे। दिस इज द इनहेरिटेंस बायोलॉजी रिविजन। चलो तो ये रही आज की कहानी, कल मिलने वाले हैं हम इकोलॉजी के लिए, कल इकोलॉजी का सेशन रहेगा और मैं उम्मीद करूंगा कि कल जो है धीरे धीरे थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगों का कम हो रहा है, बट ठीक है कोई बात नहीं, वो अमृत वाले लोग जो है थोड़े कम हो रहे होंगे ना, क्योंकि अमृत के तलाश में भी तो कुछ लोग आ रहे होंगे कि ऐसा जो है अमृत मिल जाए, जो क्लास में मिल जाए, पढ़ने के अलावा कुछ ऐसा हो जो सी एस आर क्वालिफाई करा दे, तो वो अमृत शायद नम नजर आ रहा हो, तो वो चीज़ हो रहा है। लेकिन कल इकोलॉजी का रहेगा तो कल आ जाना, देख लेना, और बाकी की मर्जी जो है आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू टुमारो। और वही फिर से बात, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो दो चार शब्द कहने और शेयर करने में तो आपका कुछ जाएगा है नहीं, है ना, तो वो कर सकते हैं, बाकी मतलब है ना, दो चार शब्द तारीफ में भी बोल सकते हैं, और बाकी मैं तो, मुझे तारीफ तो आपको पता है बहुत ज़्यादा पसंद ही, मैं तो खुद ही करता रहता हूँ, बाकी आप लोग कर सकते हैं, मेरे सामने नहीं, आपको पता है कि कहाँ करनी है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच फिलहाल के तौर पे, विल सी यू टुमारो एट द 8 PM एंड होपफुली कि ये सेशन अच्छा लगा होगा। वंस अगेन हैव अ ग्रेट इवनिंग, ध्यान रखिए, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।